नए हैं, इसलिए ये विषय फिर से यहां रखना आवश्यक है। एक सूत्र देखा हमने कि पंचमा भूतों से किसका ग्रहण करना है, तो दोषों का ही ग्रहण करना है। यथा ये न भावे न जिन जिन भावों से संपत जनयत होता है, ये शाम एव ही भावानाम संपत संजनयत नरम, तेषाम एव ही भावानाम विपत संजनयत व्याधिन। ये सूत्र देखा हमने अत्रे भद्रक यज्ञ पुरुष अध्याय में। जिन भाव पदार्थों के संपत से शरीर में अच्छे गुणों की निर्मिति होती है, उन्हीं भावों के विपत से विकारों की निर्मिति होती है। तो भावों की टीका है पंचमा भूता, और आगे चक्रपाणी कहते हैं तेन दोषादीनाम ग्रहण। तो हमें किसका अध्ययन करना चाहिए? दोषों का अध्ययन करना चाहिए। ग्रंथ में कहीं पे भी प्रकृति के अनुसार औषध का उपयोग दिया नहीं है कि वात प्रकृति को ये औषध हो, पित्त प्रकृति को ये औषध हो, कहीं पे भी नहीं है। एक त्रिस्कंद कोषों का कार्य हो चुका है पुणे में, तो उनके जो लीडर है, जिनकी संकल्पना थी वो गोलटकर सर, और उनके शिष्य दिलीप गाड़गे सर, उन्होंने एक व्याख्यान में कहा था कि हमने इतने सारे त्रिस्कंद कोष के इतना बहुत बहुत बड़ा कार्य है, उसमें सिर्फ 8 संदर्भ ऐसे है कि जो प्रकृति के बारे में बात करते हैं कुछ। तो ग्रंथ में सारी चिकित्सा ये दोषों की भाषा में, दोषों के ही अनुसार लिखी गई है कि ये व्याधि है, इसमें से ये दोष प्रकोप है, तो ये इस प्रकार की हमें चिकित्सा करनी चाहिए। तो जैसे हेतुओं का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार दोषों का ज्ञान भी हमें बहुत आवश्यक है। और इसलिए दो सूत्र सुबह देखे, एक वाग्भट का सूत्र है दोषा एव ही सर्वेशम रोगाणाम एक कारण। सभी व्याधियों का एकमात्र कारण क्या है? दोष है। और दूसरा सूत्र सुश्रुत का देखा, सर्वेशम व्याधिनाम वात पित्त श्लेष्मण एव मूलम। अभी निकालिए आप सूत्रस्थान अध्याय 20, उसका 3 या 4 नंबर का सूत्र है, ये नीचे सबसे आखिरी 5 नंबर का सूत्र है। चार की आखिरी लाइन, यह अध्याय है विसावा अध्याय महारोगाध्याय, और ये बहुत महत्व का अध्याय है महारोगाध्याय जो है। अभी जयपुर में निरूपण में किया था, तो उनकी एक डिमांड थी जयपुर एनआईए में कि हमें एक लेक्चर सिर्फ महारोगाध्याय पे होना चाहिए। इतना मतलब उनको भी ये महत्व का लगता है जिन्होंने अरेंज किया था। ये सूत्र बहुत महत्व का है, पढ़िए। निजस्य चरक सूत्रस्थान अध्याय 20 श्लोक नंबर 4 नीचे की लाइन, निजस्य तु मुखम वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्यम। मुख का अर्थ है यहाँ पे, मुख का अर्थ है हेतु, सॉरी कारण, कारण मुखानी कारणानि, हाँ, हेतु भी उसका पर्याय है। निज व्याधियों का हेतु क्या है? वात पित्त श्लेष्म का वैषम्य। आहार विहार ये व्याधि के हेतु नहीं है, ये दोष प्रकोप के हेतु है, और दोष प्रकोप मतलब दोष वैषम्य ये व्याधि का हेतु है। इसके ऊपर आगंतु व्याधि के हेतु है, वो दशन नख दशन पतन व्याभिचार आदि 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 अभिघात वगैरह वगैरह है। पर निज व्याधि अगर हो रही है तो उसका हेतु क्या है? दोष वैषम्य। और दोष वैषम्य के हेतु आहार विहार प्रज्ञापराध आदि जो है वो दोष वैषम्य के हेतु है, और दोष वैषम्य व्याधि का हेतु है। अब अभी कोई भी आप निदान का अध्याय निकालिए, ज्वर निकालिए, चलो ज्वर निदान अध्याय, अध्याय पहला सूत्र नंबर 19। हाँ वही सूत्र, कितनी पेज है? पेज नंबर 199। हाँ सूत्र 19, सूत्र नंबर 19। ये सूत्र का आखिरी पंक्ति पढ़िए क्या है? तस्य अपचार शरीर न्यासेभ्यो हो अतिसेवितेभ्यो हो वायु प्रकोपम अपचार। तो ये हेतु अगर भाषांतर का किताब हम निकालेंगे तो उसमें दिया है ये वात ज्वर के हेतु, और सूत्र में कहते हैं ये वात प्रकोप के हेतु है।
इससे अगर रसव स्वेदम में अवरोध होके संप्राप्ति हो गई तो जोर आ जाएगा। पर ये हेतु किसके है? दोष प्रकोप, मतलब दोष प्रकोप के, वात प्रकोप के, मतलब दोष प्रकोप के। ऐसा ही पित्त का भी है, ऐसा ही श्लेष्म का भी है। अब गुल्म निकालिए, गुल्म अध्याय, अध्याय नंबर 3, सूत्र नंबर 6। उसकी आकृत, अभी आप वो हेतु और ये हेतु बाद में पढ़ोगे तो एक ही हेतु, हेतु का वर्णन एक ही है, शब्द भी एक ही है, रुक्ष लघु शीत उसके आहार विहार है सब। तस्य अपचारात अन्यत् वा किंचित् एवं विधम विषमम अतिमात्रम व्यायाम जातम आरभते तस्य अपचारात वातः प्रकोपम आपतते। वातः प्रकोप, ये वात गुल्म के हेतु नहीं है, ये वात प्रकोप के हेतु है। और अगर इन्हीं इस वात प्रकोप से, जैसे वहां रससवेद का पिधान हो गया और ज्वर हो गया, यहाँ पे आंतर में संप्राप्ति होती है और गुल्म होता है, महासुरतस में शोध आता है, उसको गुल्म कहते हैं। दोष प्रकोप वही है, स्थान बदल गया व्याधि बदल जाता है। मेरा कहने का प्रयास यह है कि हमें दोषों का विचार करना चाहिए, ना कि व्याधि का नाम का, वो तो बाद की बात है, पर पहले दोषों का विचार करना चाहिए। इसलिए दोषों का ज्ञान हमें मूलतः से आवश्यक है समझना। कोई भी अगर हम किसी भी व्यक्ति को दोषों के बारे में पूछेंगे तो क्या कहते हैं? दे आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बॉडी। और ब्लाइंडली अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो देर आर थ्री फॉल्ट्स इन आयुर्वेदा। ऐसे ट्रांसलेशन मैंने देखा है, पढ़ा है मैंने इंग्लिश किताब में, और यही किताबें फॉरेन में जाती है या फॉरेनर को पढ़ाते। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे कि आयुर्वेद में 3 फॉल्ट है तो गलत हो जाएगा ना। तो दोषों का समुचित ज्ञान वैद्यों को होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी चिकित्सा है। अब निकालिए विमान 8, सूत्र नंबर 123। पेज नंबर 280, श्लोक नंबर 123। अगर आयुर्वेद का सार बताना है ना, तो ये सूत्र से बता सकते हैं। एक वाक्य में आयुर्वेद क्या है बताना है, कि आयुर्वेद चिकित्सा कैसे करनी है, तो ये है, पढ़िए। एवं प्रकृत्यादीनाम विकृति वर्जानाम भावानाम, जो प्रकृतितः विकृतितः सारतः संवनतः ऐसा दशविध परीक्षा भाव है, ये परीक्षा नहीं है। इनमें से विकृतितः परीक्षा भाव छोड़ के अन्य जो 9 भाव है उनसे हम किसका परीक्षण करते हैं? प्रवर मध्य अवर विभागेन बल विशेषम विभाग, शरीर बल और मानस बलों का, क्योंकि सत्वता भी उसमें है। शरीर बल, रुग्ण का शरीर बल क्या है, रुग्ण का मनोबल क्या है, इसका उससे हम परीक्षण करते हैं। आगे विकृति बल त्रैविध्येन तु दोष बलम त्रिविधम अनुमीयते, जो विकृतितः परीक्षा भाव है जो 101 नंबर के सूत्र में है, वो सर डिटेल में कल लेने वाले, उससे हम किसका परीक्षण करेंगे? त्रिविध दोष बल का, प्रवर अवर मध्य दोष बलों का विचार करेंगे। आगे ततो भैषज्यस्य तीक्ष्ण मृदु मध्य विभागेन त्रैविध्यम विभज्य यथा दोषम भैषज्यम अवचारयेत इति। इसके बाद मतलब अपने रुग्ण के आतुर के देह का और मनो का बल का विचार किया, फिर विकृतता परीक्षण से दोषों के बल का विचार किया, और फिर उसके अनुसार मृदु मध्य या तीक्ष्ण ऐसे वनस्पतियों का योजना करके हम अवचारे चिकित्सा करते हैं। पर उसका एक विशेषण है, वो देखिए, यथा दोषम। ये इस सूत्र में सबसे महत्व का शब्द है। चिकित्सा कैसे करनी है हमें? यथा दोष करनी है। यथा प्रकृति, यथा व्याधि नहीं बताया है, यथा दोषम अवचारे। तो हमारा दोषों का ज्ञान पर्याप्त है क्या? अगर नहीं है तो हमें करना चाहिए। कैसे करना चाहिए इसका कुछ अंश हम यहां पे बताएंगे, बाकी तो विस्तार से होता जाएगा। तो दोष क्या है? दोषों का विचार ग्रंथकारों ने कैसे किया है, और दोषों के साथ धातु और मल, इनकी संकल्पनाएं ग्रंथकारों की क्या है, इसका हम कुछ अंशतः विस्तार से देखेंगे। मुझे बताइए दोषों की व्याख्या क्या है, जिनको पता है वो मत बोलिए, जिन्होंने लेक्चर व्याख्यान सुना है कई बार या दो बार। दोषों की व्याख्या क्या है?
दुष्यंती थी दोषः, यही उत्तर आता है और ये इसकी निरुक्ति है। निरुक्ति और व्याख्या में अंतर यह है कि निरुक्ति मतलब वो जो वर्ड है पद, उसका व्याकरणात्मक वर्णन, मतलब वा गति गंधन यो हो वायु, पर ये वायु की व्याख्या नहीं हो सकती। शरीर दूषणात् दोषा, ये भी पर्याप्त नहीं है। माधवनदान में एक और व्याख्या है, प्रकृति आरंभ के सती दोष्टि कर्तृत्व इति दोषा, इति कर्तव्य, इति कर्तव्य था हेतु की व्याख्या। तो ये जो व्याख्या है ये पर्याप्त नहीं, इसको अव्याप्त कहते हैं। व्याख्या किसको कहते हैं कि जिसके कारण या जिसके वर्णन के बाद हमें उस घटक के समुचित लक्षणों का ज्ञान होता है, उसके सारे कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो दोषों की व्याख्या ग्रंथ में व्याख्या नहीं की, उसके लक्षण बताए हैं, उसके निरुक्ति बताई है, पर दोषों की व्याख्या कहीं पे भी नहीं की है। धातु की व्याख्या कहीं पे भी नहीं है और मलों की व्याख्या नहीं, उसके संकल्पना बताई है, व्याख्या नहीं है। तो हमें व्याख्या करनी पड़ती है। वो कैसे करेंगे? उसके समुचित लक्षण ग्रंथ में से इकट्ठा करके हम उसकी व्याख्या करते हैं। ये जो व्याख्यान शुरू होता है ये पहले निरूपण में नहीं होता था, पर बाद में ऐसा पता चला कि डायरेक्ट चिकित्सा निदान शुरू करने से पहले दोष धातु मलों का मूलतः अध्ययन करना एक व्याख्यान में आवश्यक है। इसलिए सर ने मुझे कहा कि आप इसके ऊपर शुरू कर दीजिए। और बेसिकली प्राइमरी लेवल में बहुत 2-3 लक्षणों से ही हम शुरू कर रहे, पर अभी ये थोड़ा धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ी है, लक्षणों की भी मात्रा, जैसे नए नए पढ़ने में आ रहे हैं वो बढ़े। तो पहला लक्षण है उसका, दोषों का निकाले शारीर स्थान, अध्याय 7 सूत्र 17। पेज नंबर 339 सूत्र नंबर 17 चरक शारीर स्थान 7। शरीर अवयवाः तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्येया भवन्ति, अतिबहुत्वात् अतिसौक्ष्म्यात् अतीन्द्रियत्वात् च तेषां। बस बस, शरीर अवयवाः तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्येया भवन्ति। यहाँ पे वैशेषिकों का परमाणुवाद का उपयोग किया है। वैशेषिकों ने परमाणु की व्याख्या क्या की है? परमाणु मतलब जिसका अभी विभाजन नहीं हो सकता, व्याख्या में श्लोक नहीं बताऊंगा। अणु की व्याख्या क्या है कि सबसे सूक्ष्म भाग ये अणु है, और अणु का भी इतना सूक्ष्म भाग कि जिसका अभी आगे विभाजन नहीं होगा, इसको परमाणु कहते हैं। और चरक ये कहते हैं शरीर के सारे अवयव ये परमाणु स्वरूप में है। अवयव मतलब यहां पे ऑर्गन नहीं, अवयव मतलब इसकी टीका है भाव गंगाधर जी की, अंश भाव पदार्थ, शरीर के घटक, शरीर के सारे घटक या भाव पदार्थ ये परमाणु स्वरूप में रहते हैं। सूक्ष्म में सूक्ष्मता हमें स्थूलता दिखाई देते हैं, पर वो मूलतः परमाणुओं से है। ये बोर्ड है यहाँ पे, यह हमें दिखाई देता है क्योंकि ये स्थूल दिखाई देता है, पर ये एक 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 परमाणु से बना हुआ है, बराबर पार्टिकल से बना हुआ है। उसी पद्धति से शरीर के सारे घटक ये परमाणु स्वरूप में है। इसकी अभी इसका हम अतिदेश करेंगे। अभी अतिदेश मतलब एक नियम बताया वो सबको लगाने का। तो दोष कैसे है? परमाणु स्वरूप में है। धातु कैसे है? परमाणु स्वरूप में है। मल कैसे है? परमाणु स्वरूप में है। मतलब रस कैसा है? परमाणु स्वरूप में है। रक्त कैसा है? परमाणु। मांस परमाणु, मांस मतलब मसल, मेद मतलब फैट, मज्जा मतलब बोन मैरो, रक्त मतलब ब्लड, रस मतलब प्लाज्मा, शुक्र मतलब सीमेन, अस्थि मतलब बोन्स, ये बंद कर दो। ये इसी कोरिलेशन से आयुर्वेद का हानि हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। अस्थि मतलब बोन्स ये मंदानाम व्यवहाराय ठीक है, मंद व्यक्ति के व्यवहार के लिए ठीक है, पर बोन्स ये अस्थि नहीं है, धातु नहीं है। गंगाधर जी कहते हैं धातु सारे द्रव रूप रहते हैं। विमान स्थान के 5वें अध्याय में उनकी टीका है, सारे धातु ये द्रव रूप है, द्रव रूप मतलब परमाणु स्वरूप है। और श्रुतसूत्र की व्याख्या क्या है? नहीं, और विमान स्थान ये सुश्रुत की है। चरक की व्याख्या, परिणामम आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी, और इसके ऊपर लिखते हैं यावंतः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावंत एव अस्मिन् स्वतसं प्रकार विशेषः।
जिनकी मूर्ति है उनके श्रुत से। मूर्ति मतलब उनको कुछ आकार होना चाहिए, मतलब परमाणु पंचभौतिकत्व होना चाहिए, उन्हें परमाणु स्वरूप होना चाहिए। जिनके परमाणु है उनके ही स्रोतस है, जिनके परमाणु नहीं है उनके स्रोतस आत्मा का स्रोतस नहीं है, क्योंकि वो विभू है। मन का स्रोतस है या नहीं इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। दिशा का स्रोतस नहीं है, काल का स्रोतस नहीं है। जो जो भाव पदार्थ विभू है उनके स्रोतस नहीं है। इसका उल्टा अर्थ क्या है? विपर्य, जिनके स्रोतस वर्णन किए है वो परमाणु स्वरूप में है। अगर अस्थि मतलब सिर्फ बोन्स होता तो वो अव्याप्त हो जाते। उसका प्राकृत कार्य क्या है? अस्थि का धातु का धारण करना, प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्ण। तो आंत्र गुद आदि जो कोई सॉफ्ट ऑर्गन्स है या शरीर के सारे ऑर्गन्स सारे घटक, इनको अपनी जगह धारण करने का कार्य अस्थि करता है। और इसलिए हमें कभी कभी सॉफ्ट ऑर्गन में कैल्सिफिकेशन दिखाई देता है। कहां से आता है कैल्सिफिकेशन? कैल्सिफिकेशन इन इंटेस्टाइन, कैल्सिफिकेशन इन लीवर। अभी एक मेरे पास पेशेंट है, लीवर में कैल्सिफाइड स्पॉट्स हैं। ब्रेन में स्क्लेरोसिस के पेशेंट है, स्क्लेरोटिक चेंजेस इन ब्रेन। कैल्सिफिकेशन इन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का पेशेंट मैंने ठीक किया है। कैसे उसका विचार कैसे करना चाहिए? वो यूरेथ्रा में कैल्सिफिकेशन कैसे आया? वो तो माउस प्रधान सॉफ्ट ऑर्गन है, तो वहां पे अस्थि वो काठिन्य कहां से आया? तो वो अस्थि धातु से आता है। और प्रोलैप्स में क्या होता है? जो धारण करने वाला घटक है उसका क्षय हो गया है। इस विचार से आगे जाना है। अगर हम ये समझेंगे कि अस्थि परमाणु स्वरूप में है और वह सर्व शरीर में है तो ये सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं। माउस मतलब पेशी, सॉरी मसल मतलब पेशी है, माउस है या स्नायु है? आप सोचिए और बताइए बाद में, किसको कोरिलेट करेंगे हम, माउस को, पेशी को या स्नायु को, आज के मसल जिसको कहते हैं, क्योंकि माउस से धातु है, स्नायु और पेशी ये अवयव है, धातु परमाणु स्वरूप में। आज जिसको ब्लड कहते हैं हम, उसमें सभी घटक है, सिर्फ रक्त नहीं है। द्रवत्व जो है वो क्लेद है और सारे धातु घटक उसके साथ बह रहे हैं, जिसको आज हम ब्लड कहते हैं। रक्त धातु हमारा परमाणु स्वरूप में है। तो सारे दोष धातु और मल ये कैसे है? परमाणु स्वरूप में है, ये इसका पहला लक्षण। शरीर में ये परमाणु स्वरूप में है, वायु भी परमाणु स्वरूप में है, पित्त परमाणु स्वरूप में है, श्लेष्मा परमाणु स्वरूप में है। जो डकार आती है, गड़गड़ा पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, ये वायु नहीं है, परम ये वात दोष नहीं है। वॉमिटिंग में पित्तम कहते पित्तांते वमनम, वो दोष स्वरूप है क्या? देखेंगे बाद में, क्वेश्चन मार्क करके रखती है, रख दीजिए, ये जवाब हमें मिलेंगे, हम ही ढूंढेंगे धीरे धीरे धीरे, दो दिन में अगले। तो पहला लक्षण उसका है वो परमाणु स्वरूप में है। अभी अगला लक्षण सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 21 अध्याय का नाम है व्रण प्रश्नी, और अध्याय में सब वर्णन दोषों का किया है। अध्याय आप कभी बाद में पढ़ो सुश्रुत में जाकर, अध्याय का नाम है व्रण प्रश्नी या व्रण प्रश्न अध्याय, और अध्याय में सारा वर्णन दोषों का किया है। और इसे डल्लन कहते हैं पहले शब्द, पहले टीका में व्रण शब्देन अत्र दोषादयः उच्यन्ते, वातादयः उच्यन्ते। व्रण मतलब क्या? दोष। सुश्रुत को व्रण शब्द से पहले कौन अभिप्रेत है? दोष। और इसलिए शोत, निज शोत जो है उसको पहले व्रण शोत आता है। भगंदर में भी पहले व्रण शोत की पीड़िका, भागंदरी पीड़िका रहती है, और फिर वो भग्न होके उसका भगंदर होता है। तो दोष मतलब व्रण, ये सुश्रुत की व्याख्या है पहली। और आगे पहला ही सूत्र है वात पित्त श्लेष्माणा एव देह संभव हेतवः, देह के संभव के हेतु दोष है। अब आपके सब मन में सवाल आया होगा, मेरे मन में भी आया,
यही सवाल डल्लन जी के मन में भी आया और उन्होंने टीका में क्या लिखा है पढ़िए। व्रण कारणानि नहीं देह संभव हेतु देह संभव हेतु देह उत्पत्ति हेतु ननु ननु शुक्र शोणिते देहोत्पत्ति हेतु तत्किं आप अभी तक हमने पढ़ा कि शुक्र शोणिते ये दो देह उत्पत्ति के हेतु थे। अब आप कह रहे हो कि दोष ये दो उत्पत्ति के हेतु है तब कथम वातादया देहोत्पत्ति हेतु का हेतवा उच्चन्ते। वो कहते उच्चन्ते बताते उच्चते अविकृताः वातादयः शुक्र आर्तवादी सहकारितया देहजनका अभिप्रेताः इति अर्थः। अविकृताः वातादयः शुक्र शोणित सहकारितया देहजनका देह का निर्माण होने के लिए पिता के शरीरस्थ दोष और माता के शरीरस्थ दोष क्रम अनुक्रमे शुक्र और शोणित के सहकार्य से नव देह का निर्माण करते। और एक शब्द है अविकृतः। अविकृतः मतलब प्राकृत। अगर माता और पिता के शरीर में दोष प्राकृत रहेंगे तो उत्पन्न होने वाला देह यह भी प्राकृत रहेगा। इसका विपर्य क्या हुआ? अगर माता और पिता के शरीरस्थ दोष विकृत रहेंगे तो उनसे होने वाला अपत्य जन्मजात विकृति लेके आएगा जेनेटिक। और इसलिए हेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के हेतु भी दोष ही है। वो माता पिता के शरीरस्थ दोष। आप कहेंगे फिर से खिंचातानी करके कह रहे हो संदर्भ बताओ हमें तो थोड़ा विस्तार है विस्तार से लेंगे आज। शारीर स्थान अध्याय चार निकल चरक चरक उसमें पेज नंबर है 321 सूत्र नंबर 30 की शुरुआत। यतस्तु यतः तु कार्ष्णेन अविनश्यन् विकृतिम आपद्यते। ये गर्भ में उत्पन्न होने वाले विकारों का वर्णन कर रहे हैं। यदा स्त्रिया दोष प्रकोपणेन दोष प्रकोपण उक्तानि आसेवमानायाः दोषाः प्रकुपिताः शरीरम उपसर्पन्तः शोणित गर्भाशय उपपद्यन्ते। बस क्या कह रहे हैं वो? जो माता जिसको अपत्य होने वाला या अपत्य होने की इच्छा है अगर वो दोष प्रकोपक आहार का सेवन करते हुए दोष प्रकोपणानी आसेवमाना यहां वो कुछ पथ्य नहीं पालन कर रही है। शादी जब होती है उसके पहले हमारे यहाँ पे गणगण क्या कहते हैं उसको केड़वण कहते हैं हमारे यहाँ पे मतलब जिसकी शादी है उसको उसके पूरे खानदान को खाने के लिए बुलाते हैं हर जगह और सारा अजीर्ण सारा मीठा ऐसा खाते खाके अजीर्ण होते फिर शादी करते हैं और फिर हनीमून को जाते हैं ऐसे अजीर्ण अवस्था में और अगर उसमें गर्भधारणा हो गई तो वो अजीर्णोत्थ अपत्य जन्मा उसका पैदा होता। और इससे जाति सूत्र अध्याय में क्या कहा है कि अगर गर्भधारणा करनी है तो उससे पहले शोधन कर लो एक कम से कम एक मास पहले तक। माता का एक कोई स्पेसिफिक आहार बताया है और पिता जिसको पिता होना है उसको भी एक आहार बताया है तभी उसके शरीर के दोष निकल के उनके दोषों को प्रकृतिस्थ करके फिर गर्भधारणा कर लो तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कम हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो अगर कोई जिसको अपत्य होना है वो अगर दोष प्रकोप के हेतु सेवन कर रही है उसके शरीर में दोषा प्रकुपिता हम ये सारा सूत्र पढ़ते हैं और दोषों को भूल जाते हैं। यहाँ पे दोषा प्रकुपिता शरीर में दोष प्रकुपित है उपसर्पन्ता घूम रहे हैं और जब वो शुक्र शोणित को दुष्ट करेंगे शोणित गर्भाशय उपपद्यन्ते न च कार्ष्णेन शोणित गर्भाशय दूषयन्ति। अगर उसके शोणित गर्भाशय पूरे दुष्ट हो गए और उस माता को गर्भ धारणा हो गई और वो स्त्री गर्भ धारणा है तो
वो वंध्या जनयंती, अपत्य वंध्य उत्पन्न होगा। तदा तस्य गर्भस्य मातृजानाम अवयवानाम अन्यतमः अवयवो विकृतिम आपद्यते एको अथवा अनेके। तो उसके शरीर, अगर माता का शोणी दुष्ट है ना, तो मातृज भाव जो वर्णन पहले वर्णन किए, तो उन मातृज भावों में से कोई एक या दो ऐसे भावों में या सारी मातृज भावों में जन्मजात विकृति उत्पन्न हो सकती है। यकृत की जन्मजात विकृति, वृक्क की जन्मजात विकृति, हृदय की जन्मजात विकृति, सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स जो मातृज भाव है उनकी जन्मजात विकृति का कारण ये है, दोष ही है, माता के शरीर में विकृत हुए दोष। यस्य ही अवयवस्य, ये सूत्र बहुत फेमस है, पर आगे का पिछले का कोई पढ़ता नहीं, आगे का कोई पढ़ता नहीं, सिर्फ एक सूत्र पढ़ते। यस्य ही अवयवस्य बीजे बीज भागो वा दोषा प्रकुपिता दोष, ये पढ़ते नहीं हम, जिस जिस भाव बीज में दुष्टि है उस बीज से वो अवय दुष्ट होते, पर दुष्टि किसके कारण है, दोषों के कारण। इतने महत्व के है दोष। तो ये विषय बाद में कभी लेंगे हम विस्तार से, क्योंकि इसमें आगे और तीन स्तर पे विकृति बताई है, दो चंद्रशन की विकृति बताई है, आगे है वो बाद में लेंगे। अभी हमारा विषय ये है कि शरीर निर्माण के हेतु भी दोष ही है, ये उसका लक्षण है। और जन्मजात विकृति ना हो इसके लिए पहले दोषों का निर्धारण करना आवश्यक है। कितने स्तर तक दोष कार्य करते देखिए, तीसरी पीढ़ी तक कार्य करते हैं, ये चरक ने बताया। पढ़ना है तो यही सूत्र आगे थोड़ा पढ़िए, पुति प्रशम जनित ऐसा आगे सूत्र है पिछले पेज। बीज का भाव होता ही यदा ही अस्याः शोणिते गर्भाशय बीज भागः प्रदोषम आपद्यते। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, इसको अतिदेश लगा के हम अन्य मातृज अवयव, एक गर्भाशय ये जो मातृज अवयव है इसकी विकृति के स्तर बताए, ऐसे हृदय के, वृक्क के, आंत्र के, यकृत, यहाँ लगा के हम इसके विकृति के उदाहरण, हमें उसका विस्तार करना चाहिए, हमारा कार्य है। अगर गर्भाशय बीज दुष्ट है पूरा, शोणित में जो गर्भाशय का बीज है पार्ट है वो दुष्ट है, तब वंध्या अपत्य जन्म होता है, वंध्यम जनयति। आगे यदा पुनः अस्याः शोणिते गर्भाशय बीज भागा अवयवः प्रदोषम आपद्यते। गर्भाशय निर्माण होने वाला जो बीज है उसमें से कुछ पार्ट दुष्ट है, पूरा बीज भाग दुष्ट नहीं है, एक भाग का पार्ट दुष्ट है। तदा पूति प्रजाम जनयति, मतलब अगर उस स्त्री को कन्या जो होगी, उस कन्या को जो कन्या होगी या अपत्य होगा वो वंध्य होगा, थर्ड जनरेशन विल बी इम्पोर्टेंट, उसको पुति प्रजा कहते हैं, मतलब वो कैरियर होगी, जो अपत्य होगा वो कैरियर होगी, और थर्ड जनरेशन विल बी केस, जो हिमोफीलिया में होता है। आगे यदा तु अस्याः शोणिते गर्भाशय बीज भाग अवयवः स्त्रीकराणां च शरीर। अब वो बीज में से एक भाग में से उसके स्त्रीत्व होने के कारण जो भाव है वो दुष्ट हो रहे हैं, तो ऐसा अपत्य होगा कि शरीर की आकृति स्त्री की है पर स्त्री नहीं, उसको वार्ता कहते हैं। नपुंसक का एक लक्षण है, षंड का लक्षण है, आकृति स्त्री की है पर स्त्री नहीं है। या जेनेटिक्स का विचार नहीं है इसमें, यहां ये तो ऐसा वर्णन है कि जहां पे जेनेटिक्स मॉडर्न जेनेटिक्स कहता है कि हमें पता नहीं है इडियोपैथिक है, इसका भी उत्तर दिया है, क्योंकि उनके पास दोष नहीं है, हमारे पास ऐसे वर्णन पिता का आगे किया है, तो सूत्र बाद में पढ़ लेंगे। इतना महत्व का है ये, दोषों का अध्ययन इतना महत्व का है। तो दूसरा लक्षण, जन्मजात विकृति भी निर्माण करना और कुलज विकारों का भी निर्मित करना, ये दोषों का कार्य। एक बार निर्माण हो गया तो कुछ नहीं कर सकेंगे, यापना करनी, पर निर्माण ना हो इसलिए दोषों का विचार चिकित्सा में आवश्यक। तीसरा लक्षण, अभी
एक देखे हम सेकंड देखा हमने देहोत्पत्ति हेतवा, और उसमें से हम क्योंकि देखिए हम चिकित्सक हैं, हम साहित्यिक नहीं है, चरक सुश्रुत साहित्य का ग्रंथ नहीं है, ये चिकित्सा का ग्रंथ है, तो हमें हर वाक्य का चिकित्सा की दृष्टि से उसका विस्तार करते जाना है। अभी थर्ड उसका लक्षण सूत्रस्थान अध्याय 20 सूत्र नंबर 9। चरक सूत्रस्थान अध्याय 20 सूत्र 9 पेज नंबर 113। सर्व शरीर चराह तु वात पित्त श्लेष्माणः सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता कुपिताः शुभाशुभानि कुर्वन्ति। बस अगर दोष कुपित अवस्था में है तो शरीर में अशुभ कर्म करेंगे, और प्राकृत अवस्था में है तो शुभ कर्म करेंगे। वो उनके कर्मों के का क्या कर्म करेंगे वो आगे दिया है, उसको उन दोषों को एक शब्द पद दिया है, विशेषण का पद है। क्या विशेषण है वो? सर्व शरीर चराहा। सर्व मतलब संपूर्ण, शरीर में चर ये सामासिक शब्द है, सर्वेषु शरीरेषु चरता, या सर्वे शरीरे चरता, चरता मतलब घूमने वाले, गति करने वाले। सर्व शरीर चर ये उसका तीसरा लक्षण है। अब इसका विस्तार करना पड़ेगा हमें, और वो कैसे करेंगे, एक एक सूत्र का संदर्भ के साथ करेंगे। दोष कहीं पे भी कभी भी रुकते नहीं है। ये सूत्र में बताया है कि दोष कुपित अवस्था में है या प्राकृत अवस्था में है, वो सर्व शरीर चर है। एक सूत्र आपको पता है, संदर्भ सुश्रुत का है, वो निकालने में वक्त नहीं जाया करेंगे। सूत्र सबको कंठस्थ होगा, कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संघ ख वैगुण्य तत्र व्याधि उपजा। कुपित दोष, कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे सप्तमी, परिधावताम मतलब क्या, घूम रहे हैं। कुपित दोष शरीर में संचार कर रहे हैं, जहां पे रुकेंगे वहां व्याधि करेंगे। हमें अभी क्या लेना है, परिधावता मतलब सर्व शरीर चरा। अब नीचे की जो लाइन है, यत्र संगः ख वैगुण्य तत्र व्याधि उपजायते, ऐसे परिधावताम संचार करने वाले दोष अगर कहीं शरीर में ख वैगुण्य के कारण रुक गए तो व्याधि करते हैं। इसका विपर्य क्या है, कुपित दोष अगर रुके ही नहीं तो वो व्याधि नहीं करेंगे, सिर्फ अपने लक्षण दिखाई देंगे कुपित के और अकुपित। जैसे दोषों का प्रकोप चाहे प्रकोप प्रशम ऋतुकालीन होता है, दिनकालीन भी होता है। तो ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में वात प्रकोप है, तो जैसे वर्षा ऋतु शुरू हो गया सब पैरालाइज होके पड़ गए, और जैसे शरद शुरू हो गया सब खड़े हो गए, फिर वापिस प्रशम वायुपा। वसंत ऋतु में सबको शिश्मा की व्याधि है, सबको प्रमेह हो गया, प्रभुत्व मूत्रता, सबको कुष्ठ हो गया, सबको शिश्मा की व्याधि हो गए, क्योंकि प्रमेह शिश्मा का व्याधि है। और जैसे ग्रीष्म शुरू हो गया सब ठीक हो गए, शरद में सबको रक्तपित्त, सबको रक्तपित्त है, शरद ऋतु है रक्तपित्त कॉमन है, सबको हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, किसी को तो होता है। और पक्षाघात तो सिर्फ वर्षा में होता है, ऐसा तो नहीं है ना, ग्रीष्म में भी और पक्षाघात हो सकता है। तो ऋतुकालीन प्रकोप है दोषों का, पर अगर संग नहीं हो रहा है कहीं पे तो व्याधि नहीं होगी, जहां संग हो जाएगा वहां व्याधि हो जाएगी। अगर संग नहीं हुआ, स्रोत अच्छे हैं, तो कुपित दोष भी संचार अवस्था में रहते हैं, वो अपने लक्षण दिखाई देंगे, प्रकोप व्याधि नहीं करेंगे। विमानस्थान अध्याय 5 निकली।
निकाला विमान पांच, ये कॉलम पे नहीं, ये पहले नीचे उसका सात नंबर सूत्र है, उसके पहले कॉलम में 250 पेज वात पित्त श्लेष्मणाम पुनः सर्व शरीर चराणाम सर्वाणी स्रोतांसी अयन भूतानि। दोष कैसे है? सर्व शरीर में गति करने वाले और सर्व स्रोतों में उनका अयन भूत है, उनकी उनका प्रवाह, उनका कार्य, उनका उनकी गति सर्व शरीर में है दोषों की। ये वही संदर्भ बता रहे, क्या दोष सर्व स्रोतों में संचारी रहते हैं। अब निकालिए चिकित्सा 28 सूत्र नंबर 59। वात पित्त कफा देहे सर्व स्रोतो अनुसारेणः, वात पित्त श्लेष्मा सर्व स्रोतों में अनुसरण करते हैं, सरण मतलब गति करना। एक संदर्भ सूत्र स्थान का है, एक संदर्भ विमान स्थान का है और एक संदर्भ चिकित्सा स्थान का है, सबका अर्थ एक ही है। दोष कहीं पे भी रुकते नहीं है, वो हमेशा नित्य संचारी अवस्था में ही रहते हैं। जहां पे रुकते हैं वहां व्याधि करते हैं, अगर नहीं रुके तो लक्षण दिखेंगे, व्याधि नहीं होगा। उदाहरण के लिए हमेशा मैं उदाहरण बताता हूं कि एक बैंक है, मेरा उसमें अकाउंट है, मैं जाता हूं और 100-100 के 5 नोट मैंने भर दिए, 500 रुपए भर दिए, तो ऐसा कुछ मेरा अकाउंट मतलब एक ऐसा लॉकर है जो जो मैं चीज जमा करता हूं बैंक में, वो अकाउंट खोल के लॉकर खोल के उसमें रख देते हैं। अगर मैंने ऐसे नोट सबमिट किए और 5 महीने के बाद में गया और मैंने बताया कि ये नोट मैंने रखे हुए हैं आपके बैंक में, मुझे यही 5 नोट चाहिए, तो मुझे पागल समझेंगे सब वहां। क्योंकि अगर मैं गया, मैंने नोट सबमिट किए, 500 रुपए भरे मैंने बैंक में और बाद में दीदी गई और उन्होंने उनके अकाउंट में से 500 रुपए निकाले, तो शायद जो नोट्स मैंने सबमिट किए वही इनको मिल जाए। मनी इज नॉट स्टेशनरी, मनी इज रोटेटिंग इन मार्केट, पैसा घूम रहा है। हमारे अकाउंट्स इमेजिनरी है, सब कागज पे है। अगर किसी के अकाउंट में 2-3 लाख रुपए ऐसे उसके गड्ढे पड़े नहीं वहां पे, 2 लाख ऐसे पड़े नहीं है लॉकर में, वो मार्केट में घूम रहे हैं, आपके नाम पे 2 लाख है पर वो मार्केट में घूम रहे हैं। जिनके पास पैसे पड़े रहते हैं उसको लीन ब्लैक मनी कहते हैं, उसका कभी कभी शोधन करना पड़ता है जो 2 साल पहले हुआ और वो निस्नेह वमन था, सद्योवमन था वो, बस उंगली डाल के निकल लिया, बस हैर सब पब्लिक हैरान हो गए, पर वो मनी मार्केट में आ गया जो पड़ा हुआ था, लीन था। ऐसे शरीर में तो लीन दोष रहते हैं, उनको निकालना पड़ता है। और स्नेह सुदन से तो क्या करते हैं, हम द्रवित करके विलय करके उसको निकालते हैं और शोधन से बाहर निकाल देते हैं, अगर नहीं निकाला तो व्याधि हो जाती है। तो उसी प्रकार से दोष शरीर में है, वो हमेशा संचार अवस्था में है। अब संचार अवस्था में कैसे रहेंगे, परमाणु स्वरूप में रहेंगे, दोष परमाणु स्वरूप में संचारी रहते हैं। अब निकालिए गृहिणी अध्याय, आपको जब बोर हो जाएगा बताइए, क्योंकि ये पहला लेक्चर जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर है, क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक है। पेज नंबर 516 श्लोक नंबर 36 व्यानेन, ये हमारे बचपन से हम मतलब आयुर्वेद के बचपन से हमें पता रहता है ये सूत्र। व्यानेन रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा
क्षिप्यमानः ख वैगुण्यात् रसः सज्जति यत्र सः करोति विकृतिं तत्र खे वर्षम् इव तोयदः। व्यानेन रसधातु ही, व्यानेन तृतीया है, व्यान की गति से रसधातु ये प्रथम विभक्ति में इसलिए करता है। व्यान की गति से रसधातु विक्षेप उचित कर्मणा, अपना उचित मतलब टीका है प्राकृत कर्म, प्राकृत कर्म करने के लिए रसधातु शरीर में विक्षेपित तो होता है, संचार करता है। ठीक है, किसके कारण हो रहा है? व्यान के कारण हो रहा है। व्यान के कारण रसधातु अपना प्राकृत कर्म करने के लिए शरीर में विक्षेपित होता है। ये विक्षेपण कैसे होता है? युगपत, सबकी सब पदों की टीका नहीं चाहिए। युगपत मतलब एक अकाल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हृदय से निकला तो शरीर नजदीक है तो उसका पोषण पहले करेंगे, फिर बाद में अगर वक्त मिला तो पैर का करेंगे, ऐसा नहीं होता। एक काल में होता है युगपत, सर्वतः सर्व शरीर में एक काल में होता है। अजस्र मतलब अक्षुण्ण गति से, ऐसा नहीं अब थक गया जा रहा है पांच मिनट रुक जाते, ऐसा नहीं होता, कंटिन्यू चल रहा है। और सदा मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक, मृत्यु के बाद घटक तो वही है शरीर में, वो नहीं बदले हैं, पर इनको चलाने वाला चला गया है। दोष धातु मतलब तो वही है, पर उनको जो चला रहा है चैतन्य वो चला गया, तो सदा वह उस समय तक संवहन चलता है। अब आगे की पंक्ति है, क्षिप्यमानः। अब मुझे बताइए रस प्राकृत कर्म करने वाला है मतलब कैसा है? खुद कैसा है रस? प्राकृत है। यह विकृत रस का वर्णन है क्या? नहीं, यह प्राकृत रस का वर्णन है। क्षिप्यमानः ऐसा संचार करता हुआ, संचार कैसे कर रहा है? युगपत सर्वतः अजस्र सदा प्राकृत कर्म करने के लिए जो संचारित हो रहा है क्षिप्यमानः, यह है वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण, संचार करता हुआ जो रस धातु है। क्षिप्यमानः ख वैगुण्यात् रसः सज्जति, तो इसका अन्वय ऐसा है रसः ख वैगुण्य, क्षिप्यमानः रसः ख वैगुण्यात् यत्र सज्जति, संचार करता हुआ प्राकृत रस अगर शरीर में कहीं पे तो श्रुतो वैगुण्य है, वहां पे अगर वो रुक गया तत्र विकृतिम करोति। देखिए रस धातु विकृत नहीं है, फिर भी रस प्रदोष विकार उत्पन्न हो जाए क्योंकि वो रुक गया। इसका उल्टा अर्थ क्या है? संचार करता हुआ अगर ख वैगुण्य नहीं है तो वो रुकेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? वैद्य नहीं होंगे, प्राकृत विक्षेपण चलता रहेगा उसका, पर रुकना यही विकृति है। उदाहरण दिया उन्होंने खे वर्ष मीव तो यदा, आपने लगान देखा होगा घन न गिर गाना है, वो सब गाने लगते हैं, ढप बादल आते हैं गाने लगते हैं और वो रुकते नहीं चले जाते हैं, गाना खत्म हो जाता है, बारिश नहीं होती और आखिरी में किसी भी कारण, कारण नहीं बताया क्यों रुके, पर बादल रुक जाते हैं, बारिश गिरती। खे मतलब आकाश में, तो यदाहा मतलब बादल, वर्षति आकाश में घूमता हुआ बादल अगर किसी जगह रुक गया तो बारिश करता है, बादल में विकृति है, अवरोधीय विकृति है। अब यहां पे रस का वर्णन किया है, ये उपलक्षण मात्र है, तो रस निकालिए, रक्त रख दीजिए। व्यानेन रक्त धातु ही विक्षेप उचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रं देहे विक्षिप्यते सदा क्षिप्यमानः ख वैगुण्यात् रक्तः सज्जति यत्र सः करोति विकृतिं तत्र। माउस रखिए, मज्जा रखिए, लसिका रखिए, मेद रखिए, शुक्र रखिए, सारे धातु मलों का रखिए, और इसका ग्रंथकारों ने एक उदाहरण दिया है नीचे, सारे टेक्स्ट बुक में इस यहां तक ही पढ़ाते हैं और आगे की पंक्ति छोड़ देते हैं। क्या लिखा है? दोषाणाम अपि च एवं स्यात्, जो वर्णन रसों का हमने किया यहाँ पे, ऐसा ही विक्षेपण और रुकने से होने वाला होने वाली विकृति दोषों की भी है। व्यानेन दोषः विक्षेप उचित कर्मणः युगपत सर्वतो अजस्रं देहे विक्षिप्यते सदा क्षिप्यमानः दोषः सज्जति यत्र तत्र विकृतिं करोति खे वर्षमिव तो यदा।
और ऐसा अगर रुकने से जो विकृति होती है उस दोष के प्रकोप को एक देश प्रकोप कहते हैं। अब आप कहोगे कि व्यान की गति दोष को कैसे रहेगी, इसका विस्तार वाद की संकल्पना में कल बताएंगे, इसके बारे में कल बात, वो सवाल छूट जाएगा। अब इसके अष्टांग हृदय की टीका निकली इसी सूत्र की, अष्टांग हृदय शारीर स्थान अध्याय 3, यही सूत्र है, पदशः यही सूत्र है, अष्टांग हृदय शारीर अध्याय 3 सूत्र नंबर 70। शारीर स्थान अध्याय 3 सूत्र नंबर 70 400 दोषाणाम अपिच एवं सद एकदश प्रकोपण किती कारण दत्त की। एवं इति दोष प्रकोप क्रम अतिदेशार्थम यथा रसः क्षिप्यमानः ख वैगुण्यात् यत्र सज्जति तस्मिन् विकारं कुरुते एवं अनेन न्यायेन। हाँ, अनेन जैसे रस का वर्णन किया अनेन न्यायेन, इसी पद्धति से दोषाणाम अपि दोषों का भी संवहन चल रहा है, सर्वशरीर संचार है, वो भी रुक गए तो व्याधि करेंगे कैसे पड़ी। वातादीनां व्यानेन विक्षिप्यमानानां एकदेश प्रकोपणं, व्यान की गति से दोषों का भी संवहन हो रहा है, विकारकरणं स्यात्। अत एव सिद्म दद्रु श्वयथु आदि एकदेशे जायते। एवं क्षेप्याणां क्षेप्याणां मतलब संचार करने वाले स्वभावस्थान, कैसे है वो स्वभावस्थान मतलब दोष प्राकृत अवस्था में है, दोष विकृत नहीं है, वात पित्त श्लेष्मा प्राकृत है और घूम रहे हैं। हाँ, अपि अस्वतंत्र मतलब पारतंत्र में कैसा है, रुक गए दूसरे किसी कारण से दोष रुक गए तो क्या होता है, विकारकारित्वम् भवति। प्राकृत दोष भी रुक गए तो व्याधि करते हैं। ये किसी भी पोर्शन में नहीं है ये मुद्दा, इतना महत्व का मुद्दा है, इसके व्याधि दिए हैं आगे, हम उदाहरण बता सकते हैं आपको, विकृत दोष व्याधि करेंगे ये तो सबको पता है, पर वो कैसे करेंगे, अगर रुकेंगे तो ही व्याधि करेंगे, विकृत दोष रुकेंगे नहीं तो व्याधि नहीं करेंगे, वो खवे गुण से संग हो गया तो ही व्याधि करेंगे। वैसे ही प्राकृत दोष भी कार्य कर रहे हैं, वो रुक गए तो व्याधि करेंगे, प्राकृत दोष भी अगर रुक जाते हैं, उदाहरण देखिए गुल्म निकाली, गुल्म चिकित्सा साध्य है, कफम च पित्तम 435 श्लोक नंबर 7 चरक चिकित्सा 5-7 कफम च पित्तम च सदुष्ट वायुः उद्धूय मार्गान विनिबध्य ताभ्याम रुत नाभि पार्श्व उदर बस्ति शूलम करोति। ठीक है, इसकी टीका पड़ी जो तीसरे लाइन से, तत्र कफजे ये गुल्म के सामान्य संप्राप्ति है और इसका टीकाकारों ने विस्तार थोड़ा सा किया है। तत्र कफजे, कफज गुल्म में क्या होता है, स्वतंत्र वृद्ध कफ है मतलब अपने हेतुओं से विकृत हुआ कफ रुक जाता है। हाँ, पित्तजे स्वहेतु वृद्धम स्वतंत्रम पित्तम सान्निपाते च यथोक्त गुणौ पित्त कफ। ये यहाँ पे गुण शब्द हेतु वाचक है। उद्धूय वायुः गुल्मम करोति, उद्धूय का अर्थ है घूमता हुआ, उसको लेके जाके भिड़ाता है,
खींच के वहां पे ला जाके बिठाता है उद्धु धातु गति करने का वायु उनको रूप मतलब विकृत चेष्मा को जब वायु स्थान संश्रय करता है तब वो कफोश गुल्म होता है। जब कहां होता है कैसे होता है वो गुल्म संपर्क देखने वाले हम विस्तार से उसमें देखेंगे। जब विकृत विकृत पित्त को रुकाएगा वायु तो पित्तज गुल्म हो जाएगा, दोनों रुक जाएंगे विकृत चश्मा पित्त तो उसको सान्निपातिक कहेंगे क्योंकि रुकाने वाला वायु भी विकृत है। आगे क्या कहते हैं देखिए वात गुल्म किसको कहेंगे स्वतंत्र प्रकोपितो वायु हाँ स्वतः जो वायु खुद विकृत है स्वतंत्र प्रकोप विकृत वायु प्रकृतिस्थ पित्त कफो उद्धूय प्राकृत चश्मा और पित्त को महासोत में जाके बिठाता है स्थान संश्रय करता है और शोध करता है तो होने वाला गुल्म को वात गुल्म संज्ञा दी है। रुकने वाले कौन है मूर्ति किन किसको है श्लेष्म और पित्त को है उनसे अवरोध होगा तो उनसे शोध होगा ना तो वो प्राकृत है फिर भी गुल्म होता है। इसका विस्तार कल गुल्म में करेंगे हम इस गुल्म संप्राप्ति देखेंगे। हमारे आज का विवेचन का अभी का मुद्दा क्या है कि प्राकृत दोष भी अगर ख वैगुण्य के कारण रुक गए तो व्याधि करते हैं तो दोषों का अगला लक्षण क्या देखा हमने कि वह सर्व शरीर चर है संचार करते हैं कहीं पे अगर रुक जाते हैं तो ही व्याधि करते हैं अगर रुकेंगे नहीं तो व्याधि नहीं करेंगे। प्राकृत दोष भी अगर रुक गए तो भी व्याधि करते हैं। अभी सूत्रस्थान अध्याय 9 सूत्र नंबर 4 पेज नंबर 62 श्लोक नंबर 4 विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते। चरक का सूत्र है विकारो धातु वैषम्य और वाग्भट का सूत्र है रोगस दोष वैषम्य। शब्दशः अर्थ लेने से अगर कोई कहेगा कि वाग्भट दोषों का विचार करता दोषोगामित्व का विचार करता है और चरक धातुगामित्व का विचार करता है तो वो गलत हो जाएगा। कौन सही दोनों में से देखिए पढ़िए टीका पढ़िए इसको धातु वैषम्य में क्या अर्थ क्या है धातवो वातादयो रसादयश्च धातु पद से कौन अभिप्रेत है यहाँ पे रसादि तो है ही वातादि को भी धातु कहा है वातादयो रसादयो तथा रज प्रभृते च में अनुक्त इनको धातु कहा है और धातुओं में अगर विकृति आ रही है तो उसको व्याधि कहते हैं। पर ये वातादि और रसादि कैसे है ये नहीं बताया यहाँ पे इस पद टीका में नहीं है। अब निकालिए 26 चैप्टर आत्रेय भद्र का प्रिय सूत्र नंबर 81 पेज नंबर 149 तम उवाच भगवान आत्रेय देह धातु प्रत्यनीक भूतानि द्रव्याणि देह धातु भी ही विरोधम आपद्यन्ते इसकी टीका देखो विरोधम आपद्यन्ते इति देह धातुनाम विरोधम आचरन्ति दूषयन्ति यावत् हे पाहिजे देह धातु प्रत्यनीक भूतानि इति देह धातुनाम रसादीनाम वातादीनाम च प्रकृतिस्थानाम प्रत्यनीक स्वरूपानि प्रत्यनीक धातु पदों से कौन अभिप्रेत है वातादि और रसादि कैसे पर वो प्रकृतिस्थ प्रकृतिस्थ दोषों को धातु संज्ञा दी जाती है जो प्राकृत अवस्था में है और शरीर में शरीर धारण का कार्य करता है अपना अपना प्राकृत कार्य करता है उस समय उस घटक को धातु कहते हैं। धातु मतलब रसद शुक्र ये फर्स्ट ईयर बीएमएस तक ठीक है। आगे जब और हमारा प्रवाह अध्ययन शुरू हो जाएगा तो ग्रंथकारों को क्या ग्रंथतंत्र कर्तृणाम अभिप्राय क्या है इसी अध्याय में सूत्र है निकल तंत्र कर्तृणाम अभिप्राय 26 में
सुरुवातीला आले होते. हा पेज नंबर 142 सूत्र नंबर 37 तंत्र कर्तु अभिप्राय अनुपायश्च अथम आदिशे. ये वर्णन रसों के गुणों के लिए आया है. इसको अतिदेश लगा के हम सारे ग्रंथ को लगा सकते हैं. तंत्रकर्ताओं को अभिप्रेत क्या है इसका अध्ययन करने के लिए पूरा समुचित ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए. तभी अर्थम उसका अगर अर्थ निकालना है और अभिप्रेतार्थ निकालना है तो हमें समूल ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और उसके साथ रुग्ण परीक्षण करना चाहिए, तभी समझ में आएगा. तो धातु पद से कौन अभिप्रेत है? शरीरस्थ सारे प्राकृत घटक, उसमें दोष भी आते हैं. और दोषों की निरुक्ति क्या है? दुषेंदिति दोषा. हमने ये देखा कि निज व्याधियों के हेतु क्या है? दोष वैषम्य है. और दोष वैषम्य के हेतु आहार विहार है. आहार विहार डायरेक्ट व्याधि उत्पन्न नहीं करते. ऐसे बहुत रेयर हेतु है कि जो डायरेक्ट व्याधि हेतु, जैसे वातरक्त के हेतु है, उत्कटकासन में पाए ऐसे लटकाने हुए प्रजरनी करना, ये वातरक्त का हेतु है, डायरेक्ट व्याधि हेतु है. मद्यपान ये व्याधि हेतु है. दोष विकृति उनमें से होगी पर व्याधि भी उत्पन्न हो जाएगा प्राय, मतलब ऐसे हेतु बहुत कम है. और इसलिए माधुर्यदानकार ने दो प्रकार के हेतु बताए, दोष हेतु व्याधि हेतु. प्राय 90% हेतु आहार विहार के, ये दोष प्रकोप हमने सूत्र भी देखे इसके. तो दोष वैषम्य ये व्याधि का कारण है. दोष वैषम्य कैसे होगा? आहार विहार से होगा. मतलब क्या है? हेतु उत्पन्न, हेतु जब उत्पन्न होता है तो पहले कौन दुष्ट होते हैं? दोष. शरीर में आद्य विकृत होने वाले ये घटक है, इसका अगला लक्षण है दोषों का. दो लक्षण देखे हमने अभी नए. ये प्राकृत अवस्था में धारण का कार्य कर धातु है ये. और जब हेतु उत्पन्न होता है तो ये आद्य विकृत होने वाले घटक है. ऐसा कहीं नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि हेतु सेवन से रक्त दुष्टि हो गई और रक्त दुष्टि के कारण श्लेष्मा दुष्ट हो गए, कभी नहीं होगा ऐसा. हेतु के कारण मांस विकृत हो गया और मांस की विकृति से वायु की विकृति हो गई या श्लेष्मा की विकृति हो गई, नेवर. हमेशा पहले दोषों की ही विकृति होती है और दोषों के कारण ही दुष्टों की विकृति होती है. यहां तक ओके, आगे चले. किसका? दुषयंती इति दोषा, जो खुद बिगड़ प्रकृति आरंभ कहे सती दुष्टत्व हेतु. माधवनंदन की ये उसकी टीका में है, मधुकोश की टीका में है उसके, कि हेतुओं से पहले दोषों की ही विकृति होती है. दोषा एव ही सर्वेशम रोगाणाम, सुबह सूत्र देखा हमने, सर्वेशम रोगाणाम एक कारण. पहले दोषों की ही विकृति होती है और फिर बागे के आगे के व्याधि हो जाते हैं. आगे चले. तो प्राकृत अवस्था में ये धातु है. एक उसमें और सूक्ष्म ऐसा भाग है कि हमेशा ऐसे वक्तव्य में आ जाता है कि पित्त बढ़ गया इसलिए वायु क्षीण हो गया, पित्त बढ़ गया इसलिए श्लेष्मा क्षीण हो गया, श्लेष्मा बढ़ गया इसलिए वायु क्षीण हो गया. ऐसा परस्पर दुष्टत्व होता नहीं है. अगर श्लेष्मा बढ़ने से वायु क्षीण होता होगा तो वायु को दुष्टत्व आएगा, ऐसा त्रिकाल में नहीं होगा. एक निके इसका संदर्भ देखिए, शारीर अध्याय 6 सूत्र 5. योग पद्येन, पेज नंबर 329 सूत्र नंबर 5. योग पद्येन तु विरोधीनां धातूनां वृद्धि रासौ भवतः. यौग पद्येन तु विरोधीनां धातूनां वृद्धि रासः. ये किसके कारण होता है? हेतु के कारण होता है. दधि सेवन कर लिया तो दधि के गुणों के समान गुणों के श्लेष्मा और पित्त की वृद्धि होगी और दधि के गुणों के विपरीत गुणों के वायु का क्षय होगा. श्लेष्मा पित्त बढ़ गए इसलिए वायु क्षीण नहीं होगा. बिकॉज ऑफ हेतु
समान गुणों की वृद्धि और विपरीत का क्षय होता है। ये बढ़ने से एक क्षीण होगा। देखिए 17वां अध्याय प्रकृति प्रकृति स्थम कपम वायु आशा पद पेज नंबर 101 श्लोक नंबर 45 प्रकृति स्थम यदा पित्तम मारुतः श्लेष्मणा क्षये स्थानात आदाय गात्रेषु। कैसा है दोषों का समूचा कैसा है? प्रकृति स्थम कफम स्थम पित्तम मारुतः श्लेष्मणः क्षये मारुतः श्लेष्मणः क्षये क्षये द्विवचन है दोघांचं क्षय क्षयम क्षये क्षयानि वायु का और श्लेष्म का क्षय है तो ये दोषों का एक समुचित है और उसमें कुछ लक्षण दिखा जाते हैं। अगला लक्षण देखिए इसका विस्तार आगे भी होने वाला है स्थानात आदाय गात्रेषु अगला समुच्चय देखिए उसी सूत्र में आगे प्रकृतिस्थम वायु यदा अनिलम प्रकृतिगम प्रकृतिस्थम कफम वायु क्षीणे वायु क्षीणे पित्ते यदा बलि नहीं प्रकृतिस्थम कफम सूत्र 47 कफ प्रकृतिस्थ है वायु क्षीण है और पित्त बलि है बलवान है मतलब वृद्ध है। एक प्रकृतिस्थ है एक क्षीण है एक वृद्ध है तब कर्षे मतलब शरीर में घूमेंगे और कहीं पे रुकेंगे तब उस गात्रावय में क्या क्या करेंगे उसका लक्षण है। अब सूत्र देखिए 48 अनिलम प्रकृतिगम पित्त कफ परीक्षये यहाँ पे वृद्ध एक भी नहीं है अनिल प्रकृतिस्थ है और पित्त और श्लेष्म क्षीण है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एक बढ़ गया तो दूसरा क्षीण होना चाहिए। एक आगे ऐसा भी है तीनों क्षीण में है पहला पंक्तिस्थ पित्त है तो वायु और मारु का क्षय तो कहने का मेरा प्रयास यह है इस विषय के अनुषंग से कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्षीण होता है ये हेतु के कारण होता है। तो पहले दुष्ट होने वाले दोषी है और उनके कारण अन्य भाव पदार्थों की क्रमशः विकृति होती है। हम 28वें अध्याय में पढ़ते हैं कि रस प्रदोषज व्याधियों के सूत्र दिए हैं रक्त प्रदोषज व्याधि है मांस प्रदोषज व्याधि है मतलब क्या ये रस की विकृति के कारण है लक्षण है उसी पद में दिया है रस प्रदोषज जब दोष रसवह में जाके वहां पे विकृति करेंगे तब अश्रद्धा अरुचि वगैरह वगैरह लक्षण दिखाई देंगे। दुष्टि करने वाले दोष ही है गतत्व किसका होता है गतत्व कहते हैं हम कि ज्वर रक्तगत हो गया ज्वर पित्तगत हो गया कुष्ठ मांसगत हो गया कुष्ठ शुक्रगत हो गया व्याधि कैसे जाएगा व्याधि तो व्याधि ये संकल्पना इमेजिनरी है व्याधि कोई पांचभौतिक घटक नहीं है। व्याधि हम ऐसा कहते कि जाने वाला कौन है दोष है कुष्ठ शुक्रगत हो गया कुष्ठ मांसगत हो गया मतलब कौन है गया कुष्ठ करने वाले दोष मांसगत मांसवह में गए वहां पे स्थान संश्रय लिया त्वक विकृति हो गई उसको हम कुष्ठ मांसगत हो गया कहते। कुष्ठ ऐसा कोई घटक तो नहीं है ना वैसे ही ये जो ज्वर में कषाय दिए ना रस पाचक रक्त पाचक मांस पाचक जो विषम ज्वर के क्वाथ दिए हैं तो ये धातु के पचन करने वाले नहीं है उस धातु में जो दोष गए हैं उनका पचन करने वाले क्वाथ है तो रसगत दोष पाचक है रक्तगत दोष पाचक है मांसगत दोष कलिंगा पटलस्य वगैरह वगैरह जो है। मेरा कहने का प्रयास ये है कि विकृति करने वाले पहले दोष ही है और उनकी विकृति के कारण ही अन्य दोषों की दुष्टि होती है। अभी तक हमने प्रकोप और प्रसर्ग संकल्पना विचार में नहीं ली है वो विस्तार से आगे होने वाली है।
तो दोष उसके लिए मैं एक उदाहरण बताता हूं, हमेशा सबको कभी कंटस्ट हो गया है वो उदाहरण, मैं ढूंढ रहा हूं थोड़ा कुछ और दोपहर वो फिट बैठता है, नए लोगों के लिए वो फिट बैठता है। एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स है उसमें, और मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ, मेरा एकदम सिंसियरली पढ़ाता हूँ, मैं एकदम गंभीर्य से ऐसे पढ़ा रहा हूँ समझो। और एक दिन मैं गया और मैंने बोला कि चलो मैं मोबाइल पे गाना लगाना है और हमें डांस करना है, और क्यों करना है कि ताल का ज्ञान हो नाड़ी परीक्षा के लिए, तो आज नृत्य करेंगे। तो सब बच्चे एकदम ऐसे स्टम लगे, आज सर ठीक तो है, मतलब दिमागी हालत ठीक है उनकी, एकदम से क्या कोई ट्रैप है ये पकड़ने के लिए। तो 60 बच्चों में से कोई 2 या 3 ही ऐसे रहेंगे कि जो पहले डांस करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिनको ऐसा दिखाना है कि मैं कितना पैशनेट हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं चाहे कुछ भी हो जाए, या किसी को क्लास में इंप्रेस करना है, तो वो पहले नृत्य करना शुरू कर देंगे। ऐसे मतलब जो विकृति के पूरे बॉर्डर पे ही है, मतलब बिगड़े ही हुए हैं या बिगड़ने की आशंका ज्यादा है उनमें, थोड़ा सा हेतु दिया तो वो तुरंत बिगड़ जाएंगे। जब तक प्राकृत चल रहा है वो दबे रहते हैं, थोड़ा सा उनको छूट दी बिगड़ गए, ऐसे 2-3 लोग रहेंगे। धीरे धीरे उनके कारण बाकी के लोग ऐड हो जाएंगे कि सर कुछ बोल नहीं रहे, तो एक 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 करते हो जाएंगे और वो भी डांस कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे रहेंगे उनको लग तो रहा है बहुत डांस करना है, पर मेरी इमेज स्टूडियस है, अगर मैं ऐसे कैसे डांस करूं सबके सामने, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं बहुत, पर आखिरी 5 मिनट तक ऐसे करूं या ना करूं, करूं या ना करूं ऐसे सोचते रहेंगे। और जब बाकी के सारे थक के शांत हो जाएंगे, इनको जोश आ जाएगा और ऐसे दिखाएंगे कि सब इनके कारण ही हो रहा है, मतलब ये सब घंटे से यही डांस कर रहे हैं, यही शरीर में, ये एक उपमा है, ये शरीर में लगा दीजिए कि प्राकृत चल रहा है, हेतु उत्पन्न हो गया, तो पहले जो बिगड़ेंगे वो दोष है, उनकी विकृति को कारण जो क्रमशः विकृत होते जाएंगे वो दुष्य है, और आखिरी में जो व्यक्त होते हैं वो मल है, जैसे प्रमेह में आखिरी अवस्था में सब कुछ चला गया, सिर्फ शरीर में पार्थिव और वायव्य घटक शेष रह गए। राजयक्ष्मा में, राजयक्ष्मा के रुग्णों को कहते हैं कि उसको अतिसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह पुरुष धातु का कार्य करता है, अवष्टम्भ पुरुषस्य कार्य, अभी वो राजयक्ष्मा में पूरी मल के ऊपर ही वो जीवित है, मतलब क्या शरीर में वो अभी वही शेष रह गए। सुश्रुत में जो सूत्र सुबह देखा हमने, उसी के अगला सूत्र है सुश्रुत का, सूत्र स्थान अध्याय 24 जो मैं बता रहा था उसका संदर्भ सर ने दिया है, तो संदर्भ वही है 24/8। सूत्र देखा हमने कि सर्वेषां च व्याधीनां वात पित्त श्लेष्माणः एव मूलः मूलम्। उसके आगे वो कहते हैं दोष धातु मल संसर्गात आयतन विशेषात निमित्ततः च एषां विकल्पः। व्याधियों में शुरुआत दोषों से है, पर दोषों के बाद धातु विकृत होते हैं और मल की भी विकृति होती है, और उनके संसर्ग, मतलब उनके यहाँ पे संसर्ग शब्द ये मेलक अर्थ से है, उनके दृष्टि से, उनकी संमूर्छना से, और उनके निमित्ततः, निमित्तता की टीका है यहाँ पे, संसर्ग इति संयोग यथा वातादि दोष रस धातु संयोग संसर्ग ज्वरादयो रसाधिष्ठान। वातादि दोष जब रस धातु के संसर्ग में संयोग हो जाएगा तब ज्वर रसाधिष्ठान में गया है ऐसा कहते हैं। वातादि दोष दुष्ट है और उनके साथ रस की विकृति हो गई, संसर्ग संयोग हो गया उनका, तो क्या कहते हैं ज्वरादि व्याधि रसगत हो गए। दलन की टीका है वातादि दोष रस धातु पुरुष मल संसर्गात अतिसारा दया। दोष दुष्ट है, धातुओं में रस दुष्ट है और पुरुष मल दुष्ट है, ऐसा संसर्ग संयोग हो गया तो अतिसारादि विकार उत्पन्न हो जाएंगे। वातादि दोष रसादि दुष्य मूत्र मल संसर्गात व्यंशति मेहा।
वातादि दोष, रसादि सात धातु और पुरुष मूत्रादि मल, इन सबका संयोग संयोग हो गया, विकृति क्रमशः होकर विकृति हो गई, तो प्रमेह की अवस्था ही निर्माण हो जाएंगे, अलग अलग प्रमेह की अवस्था निर्माण हो जाएंगे। तथा वातादि दोष, रक्तादि धातु, संसर्गात वात रक्त, रक्त पित्त, विद्रधि, रक्त गुल्मादया, दोष विकृत है और रक्त विकृत है, तो रक्त पित्त वात रक्त आदि अलग अलग प्रकार के उन संसर्ग से होने वाले व्याधि, संसर्ग का अर्थ ही होने वाले व्याधि उत्पन्न हेतु के ऊपर वो डिपेंड है। आयतन विशेषात, इसका अर्थ है आगे, आयतन विशेषात इति आयतनानि इति स्थानानि, यहाँ पे आयतन शब्द स्थान है, ये संयोग हो गया दोषों का और दुष्टों का अलग अलग प्रकार से संयोग। ये संयोग किस कितने प्रकार का है? दोषों का ही संयोग 57 प्रकार का है अंश अंश भेद से। ये यहां पे विचार और सूक्ष्मता में कर रहे हैं हम, इन्होंने सिर्फ दोष दुष्टों का किया, दोषों का ही संयोग 57 पद्धति का है, उसका अलग अध्याय दिया है सुश्रुत में, दोष भेदीय उत्तर तंत्र का आखिरी आखिरी अध्याय है, मतलब तीनों क्षीण है, तीनों वृद्ध है, एक क्षीण एक वृद्ध, एक क्षीण साम्य है, एक क्षीण दो वृद्ध है, और अभी इन संयोगों के साथ अलग अलग प्रकार के दोषों का संसर्ग है, मतलब दोषों की विकृति का एक संयोग, उसके साथ एक धातु, अलग अलग धातु। अब ये संयोग, अलग अलग प्रकार का संयोग किस स्थान में जाता है, इसके ऊपर व्याधि अलग अलग हो जाएगा। हमने देखा कि वात प्रकोप के हेतु तो एक ही है, जब वो रसवस वेदवल में जाएगा, वात प्रकोप हो जाएगा तब ज्वर होता है, वही वात प्रकोप महासुदस में हो गया तो गुल्म होता है, वही वात प्रकोप रक्तव में हो गया और रक्तपित्त हो जाता है, वातानुबंधी रक्तपित्त हो जाता है, वही वात प्रकोप कोष्ठ गया कोष्ठगत वात हो गया, वही वात प्रकोप स्नायुगत हो गया स्नायुगत वात हो गया, वही वात प्रकोप संधि में गया संधिगत वात प्रकोप होता है। उसका विस्तार, इस संकल्प का विस्तार वात व्याधि में चरक ने खुद ने करके रखा है। पर दुष्टि करने वाले कौन है? दोष। अब अगर अलग अलग स्थान में जाएंगे, जैसे उदाहरण दिया है तेषां विशेषा सप्तसु आयतनेषु पंचषष्ठीर मुख रोगः, 65 प्रकार के मुख रोग बताए सुश्रुत में, किसके अनुसार बताइए? इसके अनुसार बताइए, किस अलग अलग संसर्ग दोषों के, दोष धातु मलों के अलग अलग संसर्ग, संसर्ग का अर्थ संयोग, और अलग अलग स्थान में जाएंगे, मतलब मुख ये एक अवयव है उसके अलग अलग स्थान में जाएंगे तो 65 प्रकार के मुख रोग हो जाएंगे। शालक्य में जितने सारे वर्णन किए हैं इनके वर्णन की पद्धति का सिद्धांत ये है। आगे निमित्त का अर्थ है, निमित्तता इति निमित्ततानि वातादयः तद यथा प्रत्येकं वातादि ज्वरः त्रयः रसान्निपातिक एक द्वंद्वजः त्रयः आगन्तुच अष्टमः एवं अन्यदपि निमित्ततः व्याधिनां नानात्वं नेयः। व्याधियों के भेद कैसे किए हैं अब समझ में आ रहा है कि ये वातज है, ये पित्तज है, ये शेष्मज है, ये निमित्ततः बताया। तो ऐसे दोष धातु मलों के संसर्ग के आयतन विशेषात निमित्त विशेषात अलग अलग प्रकार के विकल्प होते हैं, अंशांश कल्पना होती है, विकल्प संप्राप्ति है ना अलग। और फिर कहते हैं दोष दूषितेषु अत्यर्थम धातु संज्ञा, दोष जिस धातु में जाते हैं तब उनको हम कहते हैं रसजो अयम, रक्तजो अयम, मांसजो अयम, मेदजो अयम, अस्थिजो अयम, मज्जजो अलम, शुक्रजो अयम व्याधि, अयम व्याधि रसजोयम, इसका अर्थ क्या है? अयम व्याधि रसजाहा, इसका अर्थ क्या है? दोष रसगत हुए और व्याधि किए है, ठीक है। आगे जाए, हम थे कि दोष परमाणु स्वरूप में है, अगले सार बता दो अभी तक का, फिर आगे जाएंगे। परमाणु स्वरूप में सर्व शरीर संचारी है, रुकेंगे तो ही व्याधि करते हैं, देह के मूल घटक है, देह उत्पत्ति के कारण है। एक और उनका विशेष लक्षण है कि परस्पर विपरीत गुण के, विरुद्ध गुण के होते हुए भी
एक दूसरे को उपघात न करते हुए ये शरीर के धारण का कार्य करते हैं। एक शीत है तो दूसरा उष्ण है, एक वृक्ष है तो दो स्निग्ध है, एक मंद है तो एक चल है, एक वृक्ष है, एक एक को कोई भी नहीं, एक द्रव है, श्लेष्मा पित्त द्रव है, अलग अलग विरुद्ध गुण के हैं शरीर में, फिर भी शरीर का धारण का कार्य करते हैं। ये दोषों का विशेष लक्षण। सुश्रुत में शारीर स्थान में सिरा वर्ण विधि अध्याय, सप्तमोध्याय, उसमें वाह ये दो प्रदुष्टानम ही दोष, हाँ उसके ऊपर नहीं बात, इस अध्याय में सिरा वर्ण विधि अध्याय जो है इसमें उन्होंने सिराओं का वर्णन किया है और बताया कि सिरा कितनी है, 700 है, उसमें से 175 वातव है, 175 श्लेष्म व है, 175 पित्त व है और 175 शोणित व है, ऐसे करके 700 सिरा। सुश्रुत चारुर स्थान सेवन सातवां अध्याय श्लोक नंबर 16 और इसके बाद में सुश्रुत कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, न ही वातम सिराहा कश्चित न पित्तम केवलम तथा श्लेष्माणम वा वहन्ति एता अतः सर्ववाहा स्मृतः। हमने कह दिया कि कुछ सिराए वात का वहन करती है, कुछ पित्त का करती है, ये मंदों के व्यवहार के लिए है, क्योंकि वस्तुतः क्या है, जैसे सर ने सुबह बताया कि चंद्र दिखता इतना है पर प्रत्यक्ष में कितना है, पृथ्वी का एक चतुर्थांश है, तो वास्तविकता में क्या है बताने के लिए बताया कि इतना सिरा वातव है, पर वैसे वास्तविकता में कोई भी सिरा सिर्फ वायु का वहन नहीं करती है, कोई भी सिरा सिर्फ रक्त का वहन नहीं करती, कोई भी सिरा सिर्फ श्लेष्मा का वहन नहीं करती, कोई भी सिरा सिर्फ पित्त का वहन नहीं करती, सर्वाहा सर्वा वहा स्मृता, सभी सिराओं में से सभी का वहन होता है। यहाँ पे सिरा का अर्थ स्रोतसी है, सिरा धमनी स्रोतसी, ये पर्यायवाचक शब्द है, चरक ने पर्याय दिए है परस्परों के, सुश्रुत ने सिर्फ उनको शल्य के अनुषंग के कारण अलग अलग विकार अलग अलग संज्ञा करके वर्णन किया है, इसका कोरिलेशन मत करिए, धमनी मतलब आर्टरी, सिरा मतलब वेन वगैरह बंद कर दीजिए, क्योंकि वो स्वतः से ही है। सर्वा सर्वा वहा स्मृता, सभी सिराओं में से, इसलिए मैंने क्या कहा, जिसको आज हम ब्लड कहते हैं ये सिर्फ रक्त धातु नहीं है, इसमें सब बहते हैं। रक्त को दोष बताया नहीं है, सुश्रुत कहते हैं कि वो इतना महत्व का है कि दोषों के तुलना में वो रखे जा सकता है, चौथा दोष माना नहीं है सुश्रुत ने, पढ़ी उसका ऐसा कारण आत्ताचं काम झालं, रक्त को चौथा दोष माना नहीं है, सुश्रुत ने भी तीन ही दोष माने हैं, दोष माना नहीं है। ये भाष्यकारों का मत हो सकता है, हिंदी भाषांतर करने वालों का, मूल सूत्र अलग है जरा सुश्रुत का, वो क्या कहना चाहते हैं वो ठीक से पढ़िए, पहला सब्द व्रण प्रश्नी अध्याय में अभी जो देखा हमने, वहां पे उन्होंने क्या किया, वात पित्त श्लेष्मण एवं देह संबोधपत्ति हेतु, अगर चौथा दोष होता तो वात पित्त श्लेष्म रक्त ऐसा कहते ना, व्रण प्रश्नी अध्याय में उन्होंने सिर्फ दोषों का ही वर्णन किया, तीनों का ही वर्णन किया, और जो ये सूत्र बताते हैं कि रक्त चौथा धातु है, रक्त रक्त भेद शोणित भेदी,
14वां कि 15वां? हाँ सुनी तो वर्णन नहीं देखिए पंचदशो अध्याय में सूत्र 67 दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानीय है और उनमें वो दोषों में किसका वर्णन करते हैं देखिए तीन 15वां अध्याय सुश्रुत 15वां अध्याय पहला तीन नंबर का एक में वायु है दो में पित्त है तीन में श्लेष्मा है और धातुओं के वर्णन में रक्त का वर्णन किया है दोषों में वर्णन नहीं किया है और एक संदर्भ ऐसा है उसका कि रक्त इतना महत्व का है कि वो दोषों के का समान उसका विचार करना चाहिए क्यों क्योंकि सुश्रुत का अधिकरण शल्य है और शोणित स्थापन उसकी चिकित्सा है करनी महत्व की चिकित्सा है और इसलिए वो शोणित का विचार ज्यादा करता है दोष नहीं बताया कहीं पे भी नहीं बताया सुश्रुत ने ऐसा एक भी वाक्य नहीं है कि रक्त ये चौथा दोष है उसका वाक्य ऐसा है मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा कि वो दोषों के समान महत्व का है फॉर शल्य ऐसा वाक्य होगा शल्याधिकरण में दो रक्त धातु ये दोषों के तुलना में महत्व का है इतना ही संदर्भ है चौथा दोष नहीं माना ये जिन्होंने भाषांतर किया है ना उनके मत विचार हो सकते हैं सुश्रुत का मत नहीं है तो अभी तक हमने देखा दोषों के संक्षेप में विचार किया अलग अलग विस्तार से उसका विचार से विस्तार किया अब आखिरी संदर्भ रख के हम यहाँ पे विषयांतर करेंगे निकालिए शारीर स्थान अध्याय 6 व्रण प्रश्न प्रकोप आतेगा पण त्याच्यात ते सूत्र नाहीये हाँ यस्माद् रक्तम विना दोषैहि न कदाचित् प्रकोप्यति तस्मात् तस्य यथा दोष यथा दोषम कालम विद्यात् प्रकोपणे मतलब वो दोष नहीं है दोषों के कारण ही विना दोषैहि न कदाचित् प्रकोप्यन्ति न च स्वतंत्रेण अस्य प्रकोपः अपने स्वतंत्रता से रक्त दुष्ट नहीं होता है दोषों के कारण ही रक्त दुष्ट होता है व्रण प्रश्न 21वां अध्याय 26 अपन कर पाएंगे रक्त का इतना स्पष्ट श्लोक है ये कि विना दोष ही शोणितस्य दुष्टि ही न कदाचित न प्रकोप्यति टीका क्या है देखिए न च स्वातंत्रेण अस्य प्रकोपः और ये ग्रंथ शल्य का है और इसलिए प्रसर और प्रकोप में दोषों के साथ रक्त को रखा है
क्योंकि विचार शल्य का है, ठीक है। इसका भी बाद में और चर्चा करेंगे, ठीक है। त्यातलंच ना तो शून्यता दापी म्हणले त्यांनी, मग विचार बाकी काही विचार नाही सर त्याच्यामध्ये, तो महत्वाचा आहे असं म्हणलेलं आहे, पण शोणिता चतुर्था दोष असं कुठे म्हणलेलं नाही। तद एभी एव शोणित चतुर्थ ही संभव स्थिति प्रलयेषु, याच्या सूत्रात इस सूत्र में भी उसको दोष नहीं कहा है। ये चौथा ऐसा घटक है जो महत्व का है, जिसका हमें, जिसका संभव स्थिति और प्रलय मतलब उत्पत्ति स्थिति और नाश, जिस घटक का हमारे लिए मतलब किनके लिए, शल्याधिकरण के लिए महत्व का है, इनको दोष नहीं कहा है। नीचे अर्थ दिया है तद इति, इसकी टीका है नीचे, शल्य शास्त्रे व्रण आरंभ अधिष्ठान भूतत्व कस्यचित् दुष्यस्य प्राधान्यं दर्शयन् आह तद इत्यादि, म्हणजे मीन्स शल्य शास्त्र में वो महत्वपूर्ण है। क्षय वृद्धि दी है उसके, तो सुचरक में भी दिए, वाग्भट ने भी दिए, तो वो दोष नहीं है। शल्याधिकरण में रक्त ये महत्व का घटक है, क्योंकि व्रण और जो बाकी शल्य की चिकित्सा करने करते वक्त हमें रक्त का स्थापन करना, उसका ज्यादा क्षय न हो, इसका इसकी हमें संभावना रखते हुए चिकित्सा करनी पड़ती है, और इसलिए जैसे तीन दोष है वैसे ही इन चौथे घटक का विचार करना है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि ये दोष है, ये महत्व का घटक है फॉर शल्याधिकरण, इसका इतना ही विचार करना है। अब निकालिए शारीर स्थान अध्याय 6 सूत्र नंबर 17। शरीर गुणः पुनर्द्विविधः, शरीर गुणः पुनर्द्विविधः प्रसादभूतः मलभूतः तत्र मलभूतः, मैं ठीक तो पढ़ रहा हूं ना, तत्र मलभूतः ते ये शरीरस्य आबाधकरास्यु। मलभूत घटक किनको कहेंगे, यही सूत्र है ना सामने। अब ये मलो की व्याख्या कह रहे हैं, मलो की एग्जैक्ट संकल्पना क्या है इसका विवेचन सूत्र में दिया है। किसको मल कहेंगे, आम आज मल किसको कहते हैं, पुरुष मूत्र और स्वेद और धातु के मल, पर वास्तविकता में कल्पना क्या है देखिए, ग्रंथ करोगे शरीर में जो घटक है और उसकी उपस्थिति के कारण शरीर में आबाध उत्पन्न हो रहा है, कोई विकृति उत्पन्न हो रही है, संकट निर्माण हो रहा है, उस समय उस घटक को मल कहते हैं, उसका निर्माण होना ही चाहिए। कौन कौन है पढ़िए, तद यथा शरीर छिद्रेशु उपदेहाः पृथक जन्मानः जन्मानो बहिर्मुखाः परिपक्वाः च धातुः। शरीर छिद्र, छिद्र मतलब स्रोतस, छिद्र का अर्थ है स्रोतस, विमान पांच में पर्याय में दिया है। शरीर के स्रोतसों में जो बहिर्मुखी, शरीर छिद्र कैसे बहिर्मुखी, वहां पे उत्पन्न पृथक जन्मानः उत्पन्न होने वाले और बहिर्गामी होने वाले मतलब कौन कौन, पुरुष मूत्र स्वेद कर्णमल नासामल खमल जो है वो सारे। आगे है परिपक्वाश्च धातवः, धातु परिपक्व हो गए तब इनको मल कहते हैं। टीका पढ़िए परिपक्व धातु की, परिपक्वाश्च जिस धातु घटक में पाक के कारण पुयत्व उत्पन्न हो गया है उसको उस समय मल संज्ञा देते हैं। और आगे प्रकुपिताश्च वातपित्त, देखिए ध्यान से पढ़िए, प्रकुपित हुए
वात पित्त श्लेष्मा को मल कहते हैं। क्योंकि उनका शोधन करना आवश्यक है उस समय, क्योंकि शरीर में आबाद कर रहे हैं वो, मतलब घटक एक ही है शरीर में, घटक एक ही है। जब वो प्राकृत अवस्था में है तो उनको धातु कहते हैं, जब हेतुओं से दुष्ट होते हैं हाँ तो उनको दोष कहते हैं, और जो वो प्रकोपित होते हैं, अब प्रकोप क्या है ये बात के लेक्चर में है, विस्तार से होने वाला है। जब वो प्रकोपित होते हैं तब इनको मल कहते हैं, प्रकोपित यानी दूसरों को दुष्ट कर रहे हैं, कैसे वो बाद में देखेंगे, क्योंकि उनके विकृति के मतलब जब खुद दुष्ट है तो दोष है, और अपनी दुष्टि से शरीर में विकृति निर्माण कर रहे हैं उस वक्त उनको मल कहते हैं। संदर्भ चरक, चरक में पहले वाग्भट निकालिए, अष्टांग हृदय, ज्वर चिकित्साध्याय, चिकित्सा निदान अध्याय, निदान अष्टांग हृदय निदान, सर्वरो नहीं ज्वर का निदान, मलाह स्वयं स्वयं दूषणे ऐसा सूत्र है, क्या ज्वर में है देखो, ज्वर चिकित्सा हो गए, नहीं चिकित्सा में है, ज्वर निदान, निदान स्थान में दूसरा अध्याय और सूत्र नंबर 3, मलाहा तत्र स्वयं स्वयं दुष्टाहा प्रदूषण ही। अब सामान्य ज्वर की संप्राप्ति है और वर्णन क्या करते हैं, स्वयं स्वयं दूषण ही अपने अपने हेतुओं से मलाहा दुष्टाहा, और यहाँ पे मल से अगर हम भाषांतर करते हुए अपने अपने हेतुओं से पुरुष मूत्र और श्वेत दुष्ट हो गए तो अर्थ अलग हो जाएगा। ज्वर के लिए कौन आवश्यक है, मल मतलब अगर पुरुष मूत्र श्वेत तो अर्थ भिन्न हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे शब्द है मल, इसकी टीका है नीचे, मलाहा इति वातादयाहा, प्रकुपित हुए दोष, अपने अपने हेतुओं से दुष्ट हुए वातादि दोषों को मल कहा है। यहाँ पे मल शब्द है, अहे मतलब कफ प्रधान है, चल है गति है, और मले, मल मतलब विकृत है, विकृत दोष। यहाँ पे मल मतलब पुरुष मूत्र श्वेत का क्या काम है, ग्रंथ में जहां पे विकृति का संभव होता है वहां पे ग्रंथकार मल शब्द मल पद की उपयोगित उपयोग करते हैं। टीका है, कफ प्राय इति कफ बहुले वाताख्ये पित्ताख्ये वा, मतलब दोष। अब निकालिए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, चरक के भी बता दू मैं आपको, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 12वां सूत्र नंबर 61, विद्यात एवं मलान अपि, यहां क्या वर्णन चल रहा है, ये अगले व्याख्यान में होने वाला है, प्रकोप के व्याख्यान में वो कह रहे हैं कि व्याधि दो प्रकार की होती है, स्वतंत्र और परतंत्र। अपने हेतुओं से उत्पन्न हुए व्याधि स्वतंत्र है, दूसरों के हेतु से उत्पन्न होने वाली व्याधि परतंत्र है, और इसके बाद कहते हैं विद्या एवं मलान अपि, जो स्वतंत्र परतंत्रत्व व्याधि के बारे में बताया यही मलो के बारे में भी सोचना चाहिए। यहाँ पे मल का अर्थ समझने के लिए टीकाकार सहाय करते हैं, टीका करते हैं अरुण दत्त, न केवलम रोगान स्वतंत्र परतंत्र भेदे ही विद्यात वैद्यः, वैद्य ने केवल रोग के ही स्वतंत्र और परतंत्र भेदों को जानना नहीं चाहिए, बल्कि यावत मलान इति दोषान अपि वातादीन स्वतंत्र परतंत्र भेद ही जानियत। मैं नहीं कह रहा, अरुण दत्त कह रहे, दोषों के भी
स्वतंत्र और प्रज्ञा दो शब्द का इस्तेमाल न करते मल शब्द, क्योंकि मल मतलब प्रकोपित वायु, इसका अर्थ क्या है, दोष का प्रकोप दो प्रकार का होता है, स्वतंत्र दोष प्रकोप और परम दोष प्रकोप। अभी एक गलत हो सकता है हेमंत अरुण, शायद गलत हो, अरे चक्रपाणि की 108 गलतियां नाम की किताब लिखी है लोगों ने, देखो कितने कितने क्या कहते हैं बुद्धिशाली लोग हुए कि चक्रपाणि की गलतियां निकल रहे, यही हमारे देश का दुर्दैव है कि हम दूसरों की गलती झट से निकलते हैं। ऐसा किताब क्यों नहीं लिखते चक्रपाणि की 108 सौंदर्य स्थल है, क्योंकि हमें बुद्धि भेद ही करना है, जो जो भारतीय शास्त्र है वो कितना गलत है वही हमारे सामने रखना है, और फॉरेनर कितने अच्छे हैं और बाहर से आया हुआ कितना अच्छा है, ये मैकॉले से चल रहा है ये किताब, कोई तो लिखो यार, चक्रपाणि की 108 सौंदर्य स्थल है, और पहले सब चक्रपाणि पढ़ना चाहिए उसके लिए। और हेमाद्री, वैसे अरुण दत्त भी गलत हो सकता है, हेमाद्री कैसे कहता है, दोनों में 200 साल का अंतर है हेमाद्री और अरुण दत्त में, वो कहते हैं व्याधिवत दोषानपि स्वतंत्र परतंत्र तंत्रन विद्यात, व्याधि के अनुसार दोषों के भी स्वतंत्र और परतंत्र भेद जानिए। ये यहाँ पे मल शब्द दोषों के लिए, चरक निकालिए, चिकित्सा अध्याय अध्याय 3 सूत्र 114, और मैं आपको मेरे अनुभव से बताता हूं, जहां जहां ग्रंथकारों ने मल पदों का उपयोग किया है वहां वहां नीचे टीकाकारों ने उसका विवरण दिया है, हर जगह दिया है, हर जगह 114। यहाँ आगंतुष ज्वर का वर्णन चल रहा है, पेज नंबर 407 श्लोक नंबर 114, काम शोक भय क्रोध ही अभिशक्तस्य यो ज्वरः सः अभिशंगा ज्वरो नेयः यः च भूत अभिशंगजाः। काम शोक भयात् वायु, ठीक से पढ़िए, काम आराम शांति से आप सबको समझ जाइए, काम शोक भयात् वायु, काम शोक भय से कौन प्रकोपित होता है, वायु, क्योंकि प्रकोप्यन्ति नीचे क्रियापद है, काम शोक भयात् वायु प्रकोप्यति, क्रोधात् पित्तम प्रकोप्यति, और त्रयो मलाः भूताभिशंग। अगर मल का हम यहाँ पे मल मतलब पुरुष मूत्र स्वेद लेंगे तो क्या अर्थ हो गया, भूता के अभिशंग से पुरुष मूत्र स्वेद की विकृति होती है, और अधिकरण क्या चल रहा है, काम शोक भय से वायु, क्रोध से पित्त, और भूताभिशंग से तीनों त्रयो मलाः। नीचे टीका देखिए, मल की व्याख्या क्या दिए, कुछ दी होगी, हाँ ठीक है ना, न तत्र कामादि यो प्राणात है ना, मतलब कि त्रिदोष भूताभिशंगा कथम त्रिदोषान अनुबंध। यहाँ पे मल शब्द दोषों के लिए, और कौन से दोष, प्रकोप्यति मला, प्रकोपित दोषों को मल कहते हैं, एक ही घटक जो प्राकृत अवस्था में है तब उसको ग्रंथकार धातु कहते हैं, जब वो हेतुओं से खुद दुष्ट होता है उसको दोष कहते हैं, और जब दूसरों को विकृत करने लगता है इसको मल कहते हैं। अब फिर से शारीर स्थान के उस मूल सूत्र पे जाएंगे जहां पे मलों का विवरण कर रहा है, हमेशा हर निरूपण में हम ये कहते हैं, और कुछ ये नहीं होता, शायद आपके जरिए से हो जाए, मैंने भी प्रयास किया पर मुझे परमिशन नहीं मिली, मेरे कॉलेज में इथिकल कमिटी नाम का एक जो ब्लंडर होता है ना कॉलेज में, जो अनइथिकल होता है पूरा का पूरा, नाम उनका इथिकल कमिटी है पर वो खुद अनइथिकल है सब, वो हमें ये अलाउड नहीं करते ऐसे मूलगामी काम करने के लिए, उनको बस हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ आमलकी, त्रिफलागोगुलिन हाइपरलिपिडेमिया, ऐसे ही सब्जेक्ट चाहिए, और कितनी कौन सी टेस्ट लगा रहे हो और कितनी एरर आ रही है और कौन सा कितने ये क्या है केस है क्या है, जान दो उसमें रिसर्च में,
और सब ब्लंडर से, सब फेक काम होता है, फिर कोई इतने पेशेंट नहीं लेता। क्या काम होना चाहिए, मैं हमेशा हम बताते हैं कि क्रिटिकल कंसेप्ट ऑफ मला, क्रिटिकल क्लिनिकल कंसेप्ट होगा चाहिए कि नहीं, फंडामेंटल नहीं चाहिए लिटर, क्रिटिकल क्लिनिकल कंसेप्ट ऑफ, क्रिटिकल इलेबोरेशन ऑफ क्लिनिकल कंसेप्ट ऑफ मला, कोई नहीं काम कर। क्या कहते देखिए अभी कि मलों का क्या है, जो आबाद करता है वो मल है, जो ख मल में जाता है वो मल है, परिपक्व धातु ये मल है, और प्रकोपित दोष ये भी मल है। आगे क्या कहते हैं पढ़िए, सारी सारी छह बाय तीन 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 पेज नंबर पेज भी आ रहा है तीन 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 सूत्र नहीं नहीं मूल सूत्र शरीर चित्रेषु उपदेह प्रकुपिता वातपित्ता प्रकुपिताश्च वातपित्तश्लेष्मणा ये केचित ये च अन्ये अपि केचित शरीरे तीन उदाहरण दिए उन्होंने, ऐसे अन्य कोई भी केचित शरीरे तिष्ठन्तो भावा शरीर में है, वो भाव पदार्थ शरीर में है और शरीरस्य उपघात और शरीर में उपघात कर रहा है, तान सर्वान मलम संचक्षु है, उन सबको उस समय मल कहो। ठीक है, ये मलों की विस्तृत संकल्पना ग्रंथकारों की है, तो हमने आज संक्षेप में इसका विस्तार और कर सकते हैं, दोष धातु और मलों की ग्रंथकारों की कल्पना, हमारी कल्पना नहीं कह रहा हूं, हमारी कल्पना रक्त चौथा धातु ये तो हमें कहीं पे भी नहीं है सुश्रुत में, ये भाषांतरकारों ने किया है, खुद के मन से किया है, ऐसे खुद से मन से किए हुए बहुत सारे ब्लंडर्स हैं। ऐसे दो बर्तन है आयुर्वेद में, एक स्थाल्याम ओदनम पचदी, ये उपमा है, ये भूल जाते हैं। हमारे एक अध्यापक थे, नाम नहीं बताऊंगा और मुझे माफ करो, उन्होंने बताया था कि स्टमक ये एक बर्तन है, उसके नीचे एक चूल्हा है गृहिणी नाम का, जब चूल्हा जलता है तब बर्तन में जो रखा हुआ अन्न है उसका पचन होता है। ऐसे ही हमने बीएमएस में सीखा, वैसा और एक बर्तन है वो अगले लेक्चर में वो बर्तन साफ करेंगे हम, प्रकोप का और प्रसर का बर्तन, एक बर्तन है उसमें पानी गिरा तो धीरे धीरे गिरा, वो क्षय हो गया, बर्तन भर गया, नीचे गिर गया, प्रकोप हो गया और फैल गया, प्रसर हो गया। शरीर में ऐसा कैसे होता है वो बताएंगे अभी, वो आ रहे देखो प्रकोप बताने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए आए आ रहे हैं। तो ऐसे कई कल्पनाएं हमारे लोगों ने तैयार की है, ग्रंथकार की कल्पना नहीं है। तो संक्षेप में हमने दोष धातु मलों का यहां पे विचार किया, अगर प्रश्न है तो आप बेहिचक पूछिए, अगर आपके कोई और अन्य विचार है वो भी आप रख सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारा कहना कि यही सही है, पर जो ग्रंथ में प्राप्त होता है उसका उहन करके हम यहाँ पे रखने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी बात ख वैगुण्य का विचार कल वात प्रकोप के समय हो जाए, ख वैगुण्य क्या है ये वात प्रकोप जब हम देखेंगे तब हो जाए। देखिए सूत्रस्थान का पहला चतुष्क ही भेषज चतुष्क है, पहले ही अध्याय में सब द्रव्यों के गुण बताए दुग्ध के माउस के, और आप अगर आप शांति से पढ़ोगे तो पहले दो तीन अध्याय में जो द्रव्य है वो उस समय प्रायः व्यवहार में होने वाले द्रव्यों का वर्णन है। आज शायद कुछ द्रव्य हमें नहीं मिलेंगे पर उस समय वो द्रव्य उनको इजीली अवेलेबल थे, उनका सामान्य उपयोग दिया है, उन्होंने दिया है दुग्ध अम्ल पित्त में दे सकते हो पहले अध्याय में, देखिए बताइए मुझे पेशेंट का अम्ल पित्त बढ़ता है दुग्धपान किया तो, आमज अवस्था में दुग्धपान किया तो बढ़ता है, आज का अम्लपित्त आमज है वहां पे बताया अम्लपित्त में दुग्ध दे सकते हो, पर कौन सी अवस्था में निरामा अवस्था में ये वहां पे नहीं बताया। तो चतुष्क भेषज क्यों बताया उसका मैं सामान्य विवेचन कारण जो है मुझे जो लगता है बता दूं कि हम सब उस अवस्था से गए,
कि अगर हम एडमिशन लेते हैं, मतलब डॉक्टर होने वाले हैं, हम पेशेंट ठीक करेंगे, एक जोश रहता है, और पहला लेक्चर पदार्थ विज्ञान का हो जाता है, दूसरा लेक्चर संस्कृत का होता है लघु सिद्धांत कौमुदी का, तीसरा लेक्चर आयुर्वेद इतिहास का हो जाता है, चौथा अष्टांग हृदय का, पहले अध्याय में वो कोष्ठ अग्नि आयुर्वेद अवतरण कैसे हुआ ब्रह्मा वगैरह वगैरह, और हम डॉक्टर है होने वाले हैं, ये जो हमारा एक इम्पैक्ट हम लेके आते हैं वो धीरे 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 धुआं धुआं हो जाता है। ये ना हो उस व्यक्ति को जो विद्यार्थी चरक संहिता पढ़ने वाला है या पढ़ने के लिए आया है गुरुकुल में, उसको ये लगे कि भाई हम वैद्य होने वाले हैं, इसलिए उसको कुछ नुस्खे जो उसको व्यवहार में बताए हैं सिंपल सिंपल, कुछ यवागु कुछ लेप जो प्रायः व्यवहार में वो उपयोग ला सकता है, क्योंकि मेरा भी अनुभव है कि जैसे मैंने एडमिशन ली फर्स्ट ईयर में बीएमएस में, तो मेरे एक मैडम के मिस्टर थे, मैं संस्कृत सिखाने वाले जो मैडम थी उनके मिस्टर थे, वो कह रहे थे अरे तू तो बीएमएस करने वाला ना, जरा यहाँ पे खुशली एक लेप बताओ, तो मुझे एक भी द्रव्य पता नहीं। फर्स्ट ईयर में मैं क्या पढ़ता हूँ, आत्मा के गुण क्या है, सामान्य विशेष शोथ नष्ट करती है और स्तन्य प्रवर्तन कर देती है, वो स्तन्य जनन नहीं करती, वो शोथग्नि है। अलग भी ले सकते हो और एक साथ भी ले सकते हो, तो अवस्था के ऊपर निश्चित है। मेरे साथ में पीएचडी करने वाले एक मैडम थी शिल्पा कौड़े, उन्होंने निरुहगण जो है वाग्भट का, उसका अलग अलग द्रव्यों का अलग अलग रुग्णों की अवस्थाओं में उपयोग करके पीएचडी की है। तो आप एक साथ भी कर सकते हो, दो का कर सकते हो, तीन का कर सकते हो, चार का इकट्ठा कर सकते हो, सब दस लोग इकट्ठे कर सकते हो, अलग अलग भी उपयोग, ये आपकी बुद्धि की वैभव के ऊपर डिपेंड है। वो मंदाना वो खुद कहते हैं मंदाना व्यवहार है और बुद्धाना बुद्धि वृद्ध है, जिसको कुछ समझ में आ रहा है, अब घर तो चलाना है डिग्री प्राप्त करके, तो बस ये दस कास हो रहा है इकट्ठा करके रखो डिब्बी में, आए कोई कोई भी कास आए दे दो, कुछ ना कुछ उपयोग हो जाएगा। हरिद्रा तो अलग अलग अवस्था होती है, वो ऐसे द्रव्यों के गुणों के अनुसार ही ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए पहले वो द्रव्य पूरे ग्रंथ में कहां कहां किस किस अवस्था में आया है ये निकालो। हरिद्रा वर्णन कहां कहां किए चरक में, वो वहां पे, क्योंकि चरक ने ऐसा नहीं बताया कि हर एक की अवस्था बताइए, वो अवस्था निकालो, फिर सारी अवस्था निकाल के आपको पता चलेगा कि वो हरिद्रा एक चार पांच अवस्था में बताइए, उस अवस्था में अगर वो व्याधि है, कौन से कण बताया आपने, लेखन करना है उस अवस्था में, तो आप हरिद्र उपयोग में ऐसा अभ्यास करना चाहिए। तो एक गण एक व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए भी एक साल से ज्यादा समय लगता है पढ़ाई करने के लिए। नहीं है वही तो, क्योंकि वो मंदाना व्यवहार है। देखिए निकालिए इसकी एक जैसा है, और उदाहरण है कल सिद्धि स्थान का तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय उसके आखिरी पेज, पेज नंबर है 690, सूत्र नंबर 24 से पढ़ेंगे। इति पंचविधम कर्म विस्तरण निदर्शितम येभ्यो यन न हितम, जिसमें जो हितकर नहीं है, मतलब अवाम्य अविरेच्य निरुह्य सब बताया, यस्मात् कर्म येभ्य यद हितम, वाम्य बताए विरेचन बताए, वमन का किसमें करना है किसमें नहीं करना है, विरेचन किसको देना है किसको नहीं देना है, बस्ती किसको देनी है किसको नहीं देना, नस्य किसको देना है, ये बताया। आगे कहते हैं इसको अंडरलाइन करके रखिए, न च एकांतेन निर्दिष्टे अपि अर्थी अभिनिवेशित बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति ने एकांत से मतलब एकांतिक विचार से ऐसा अभिनिवेश नहीं करना चाहिए कि रुद्रों में वमन नहीं देना है ऐसा बताया है, तो बस नहीं मतलब नहीं देना ही नहीं है, नहीं
ग्रंथकारों को, मतलब ग्रंथकार चार ने बताया है तो देना ही नहीं, ऐसा नहीं है। स्वयं अपि अत्र वैद्येन तर्क्यम बुद्धिमता भवेत, स्वयं खुली फ्री हैंड दिया है हमें, स्वयं अत्र अपने बुद्धि से तर्क करके निर्णय करो। उत्पद्य थी सा अवस्था, अगर वो अवस्था उत्पन्न हो गई कैसी, देश कालम बलम प्रति यस्याम कार्यम अकार्यम से, जहां पे बताया है ना वमन करने के लिए, पर अगर वहां पे अवस्था ही आई नहीं तो वमन मत दीजिए, और जहां पे बताया है कि वमन मत दो वहां पे अगर वमन देने की अवस्था आ गई तो अब वमन दो। उदाहरण देते हैं, छर्दी रुद्रोग गुल्मा नाम वमनम स्वे चिकित्सते, यहाँ पे अवाम्य में छर्दी रुद्रोग गुल्म दिए है, पर छर्दी चिकित्साध्याय में वमन है, गुल्म चिकित्साध्याय में वमन है, और रुद्रोग चिकित्सा में गुल्म वर्ण जहां वर्णन के त्रिमर्मीय में वहां पे भी वमन का वर्णन किया है। अवस्थाम प्राप्य निर्दिष्टम कुष्ठिनाम बस्ति कर्मच, कुष्ठये में बस्ती देना नहीं चाहिए, अनिरुह्य अनुवास्य बताया है, पर कुष्ठ चिकित्सा अध्याय में बस्ती का वर्णन किया है। इसका कोई अगर बताएगा कि ये दो अध्याय अलग अलग व्यक्ति ने लिखे है या चरक की गलतियां ऐसे किसी ने लिख दिया कि देखो यहां तो दिया नहीं देना है वहां पे लिखते हैं दे दो, तो ऐसा नहीं है, हमने सामान्य वर्णन किया, अगर अवस्था आ गई तो दे दो, नहीं आई तो मत दो। ज्वर में वमन कब देना है बताया है, पर वमन नहीं दिया तो क्या हो जाएगा वो भी बताया है, और मतलब वमन की अवस्था है और वमन नहीं दिया तो क्या हो जाएगा वो बताया है, और वमन की अवस्था नहीं है और वमन दिया नहीं देना ही वमन देना है चरक में बताया है, और वमन दे दिया तो क्या गलती होती है वो भी बताया। रक्त पित्त में आप स्तंभन मत करो, नादो स्तंभनम अर्हति, पर स्तंभन कर दिया तो क्या होता है वो भी दिया है, और कौन सा रक्त पित्त में स्तंभन नहीं करना चाहिए वो भी बताया है। रक्त पित्त की कौन सी अवस्था में स्तंभन करना चाहिए और कौन सी अवस्था में स्तंभन नहीं करना चाहिए दोनों बताए। अति अति मात्र में ग्राही संग्राही, जैसे तर्पण और संतर्पण, तर्पण ये तो अच्छा कार्य है, संतर्पण ये हेतु है, सम उपसर्ग अति मात्रा में का निदर्शक है। ठीक है, यहां पे हम विषय अभी के लिए समाप्त करते हैं, 3 दिन और है ऐसी ही वैद्य की चर्चा होनी हमें अभिप्रेत है। एक बार एक हसन के निरूपण में एक सवाल पूछा गया था, वो आप सवाल मन में रखिए, इसका जवाब शायद अनौपचारिक चर्चा में देंगे कि पहले मधुर अवस्था पाके क्यों, फिर अम्ल अवस्था पाके क्यों, और फिर कटु अवस्था पहले वो ही क्यों, एक सवाल। दूसरा सवाल, मधुर अवस्था पे पाक में अन्न मधुर मतलब मीठा होता है क्या, अम्ल अवस्था पाक में अन्न खट्टा होता है क्या, और कटु अवस्था में अन्न तीखा होता है क्या, और अगर मिर्ची खा ली तो मधुर और अम्ल की जरूरत क्या है अवस्था पाक के, डायरेक्ट कटु होना चाहिए, और पहले मधुर क्यों फिर अम्ल ही क्यों, और फिर तिक्त अम्ल अवस्था पाक कषाय अवस्था पाक और लवण अवस्था पाक क्यों नहीं होते, यही 3 क्यों होते हैं, यह सवाल पूछा गया हमें निरूपण हसन में, और उससे उहन करके फिर थोड़ा सा विषय दोषों का ही जो विषय अभी चल रहा है वो आगे बढ़ाया है, तो वो अनौपचारिक चर्चा में शाम को या फिर प्रकोप के बाद करेंगे, चाय पियेंगे अभी, भवति चहात्र, चरक भी बीच बीच में कहते हैं भवति चायत्र भवंति चात्र भवंति चात्र, गीता में बताया सर्वस्त चाह हृदय सन्निविष्टो, सगळ्यांचा चहा माझ्या हृदयात समाविष्ट।